चलिए भैया, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं लास्ट क्लास में ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन दिए थे हमने क्लोरो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, उसके 11 आए हैं, और डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के उसके 9 आए हैं। ऐसे ही आंसर आप लोगों ने कर लिए होंगे। हम आज आपको पढ़ाना चाहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन, डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन। तो आप लोग को हम ये डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन अभी बता रहे हैं। पहले तो आपको एलीन बता दें कि एलीन क्या होता है। एलीन हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है, तो पहले हम एलीन के लिए बता दें। एलीन ये होता है CH2 सर सी एच डबल बॉन्ड डबल सी बॉन्ड एच डबल सॉरी सी डबल बॉन्ड सी और ये डबल बॉन्ड सर डबल CH2 बॉन्ड सी एच केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है। एलीन ये होता है। अब अगर इसको डिटेल में देखोगे आप लोग, डिटेल में, तो डिटेल का मतलब क्या होता है भैया कि इसका अगर आप देखोगे तो एलीन एक्चुअली में प्लेनर नहीं होता है। एलीन इटसेल्फ इज नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे एलीन का कि सी डबल बॉन्ड सी, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने आपको पढ़ा रखा है इसको ऐसे। तो अगर आपने इधर लेफ्ट वाले दोनों हाइड्रोजन को ऐसे कॉपी के प्लेन में बना दिया, कॉपी के प्लेन में, जो कि इनके बीच में एंगल 120 का है, तो जो इधर वाले हाइड्रोजन होंगे, क्या आप लोग समझ पा रहे हो भैया, ये वेज डैश के फॉर्म वाला कुछ, यस सर ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया जा चुका है। एक एच डैश के फॉर्म में आएगा और दूसरा वाला वेज के फॉर्म में आएगा, जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा। ये ऐसे हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझ सकते हो आप। उतना डिटेल में फिर से नहीं जाएंगे, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, क्योंकि बार बार वही चीज पढ़ाते रहेंगे। अगर इसे आपने sp2 हाइब्रिडाइज माना है, मतलब spx और py हाइब्रिडाइजेशन अगर आप अज्यूम कर रहे हो, तो मिडिल वाला कार्बन spx हाइब्रिडाइज होता है, जानते हो बच्चा? यस सर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? SPXP सर SPX और PZ। बार बार बताना ठीक नहीं है कि वही चीज कितनी बार पढ़ाएंगे, फिर से हल्का सा हिंट करके देख लो। ये कार्बन है, 3 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ लगे हैं, तो 3 सिग्मा का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 में भी कौन कौन से पी आएंगे, तो हमने अज्यूम किया कि spx और py हैं, तो spx py है, तो ये पाई बॉन्ड है इसके ऊपर। पाई बॉन्ड क्या, वो वाला पाई बॉन्ड हम लोग बोलेंगे pz। pz की लैटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग से बना है भैया ये pz। pz की ऐसा तो यस सर इसका नाम pz pz पाई होगा। तो मिडिल वाला कार्बन पे भैया 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा है, तो sp हाइब्रिडाइज x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो, अज्यूम करो, तो spx होगा ये। तो इसका मतलब है कि अगर इसके पास दो ऑर्बिटल खाली है, एक है py एक है pz, तो pz pz लेफ्ट साइड में अगर पाई बॉन्ड बना रहा है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये वाला पाई बॉन्ड का नाम अगर लिखना होगा तो क्या वो py और py बोलोगे इसको, py py पाई? यस तो एलीन मॉलिक्यूल इटसेल्फ एक्चुअली इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर। अब अगर एलीन एलीन अगर आप समझना चाहते हो, तो एलीन ऐसे देखो, हम जो आपको दिखा रहे हैं, देखिए एलीन ऐसे है। अगर आप, हेलो, दिख रहा है आप लोगों को भैया? ये तीन कार्बन है, देखो दोस्त, ये तीन कार्बन है। अगर आप येलो वाले हाइड्रोजन को देखोगे, तो येलो वाले हाइड्रोजन आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं, ऐसे इस वाले प्लेन में दिख रहे हैं, एक ही प्लेन में। और ये ब्लू वाले जो हाइड्रोजन हैं, ये ब्लू वाले हाइड्रोजन परपेंडिकुलर प्लेन में दिख रहे हैं, नहीं भैया? दिख रहे हैं? यस सर तो वही वाला ये है। अगर आप इसको देखोगे, तो ये दोनों कॉपी के प्लेन में है और ये वाले परपेंडिकुलर प्लेन में है। अब अगर इसको रोटेट करे कोई, कि हम इसको 180 से रोटेट करेंगे, तो ब्लू वाले कॉपी के प्लेन में आ जाएंगे और ये येलो वाले वर्टिकल हो जाएंगे, दोनों ऐसे खड़े खड़े प्लेन में। तो हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है। एलीन इटसेल्फ इज नॉन प्लेनर, लेकिन एलीन में दो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। दो प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती हैं? क्या आपको ये वर्टिकल वाली एक प्लेन समझ में आ रहा है? सर, एक ये वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। यस सर यस सर वर्टिकल प्लेन का मतलब है ये येलो वाला और ये येलो वाला, और ये तीनों कार्बन तो स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर ये तीनों कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, तो ये येलो येलो और ये तीनों कार्बन स्ट्रेट लाइन, इनको लेता हुआ एक प्लेन बना लो। तो इनको लेता हुआ अगर प्लेन बनाओगे, तो इन दोनों ब्लू वाले के बीच से पास करेगा। देखो ये हमारा हैंड, देखो ये हैंड प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखो दोनों ब्लू वाले के एकदम बीचों बीच में से कट कर रहा है और येलो वाले को लाई कर ले रहा है अपने अंदर, येलो और सारे तीनों कार्बन को। तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये दोनों येलो वाले एक प्लेन में आ जा रहे हैं दोस्त, बताओ भैया? यस सर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आ गई एलीन में। दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? कोई बोले सर हम येलो वालों को नहीं, अब इसको ब्लू वालों को लाई करता हुआ एक प्लेन ले लेंगे, तो ये दोनों ब्लू वाले और ये तीनों कार्बन, इनको लाई करता हुआ एक प्लेन ले लो, तो क्या दोनों येलो वालों को ये एकदम टू इक्वल हाउस में कट कर रहा है बीच में से एकदम? यस सर यस सर यस सर
ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया जा चुका है कि एलीन इटसेल्फ इज नॉन प्लेनर, ऑल्दो नॉन प्लेनर होता है लेकिन इसमें देयर आर टू प्लेन ऑफ सिमेट्रीज इन एलीन। लेकिन हम तो आपको ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एलीन पढ़ाने वाले हैं। कुछ समझ में आ रहा है भैया एलीन के बारे में? ये क्लियर हुआ? yes, जो हमने ये बताया? यस yes, सर। तो अगर आप एलीन ऐसे देख रहे हो, सपोज करो आप इस एलीन को ऐसे देख रहे हो जो आपको दिख रहा है अभी, तो इसका मतलब तीन कार्बन ब्लैक पेन से हमने ब्लैक डॉट दिखा रखे हैं। सारे के सारे एटम स्फेरिकल होते हैं, साइज बड़ा छोटा होता है, तो हमने तीनों कार्बन को एक इधर लाइन में रख रखा है। और दो येलो वाले आपको दिख रहे होंगे एकदम ऐसे फ्लैट, मतलब अगर ये येलो वाला आपको दिख रहा है फ्रंट वाला, तो पीछे वाला येलो वाला उसके पीछे छुप गया है, ऐसा आपको ऑब्जर्व करते दिख रहा होगा। लेकिन ये ब्लू वाले जो है ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं, ऊपर एक नीचे, इनके बीच में एंगल 120 का है। तो यही तो एलीन हमने बना रखा है यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है भैया, वेज डैश के फॉर्म में। yes, मतलब, ठीक है, इस तरीके आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखिए एलीन के बारे में, हम ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ एलीन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले एलीन थोड़ा बता दें। लिखिए एलीन इटसेल्फ, लिखिए एलीन मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर इन नेचर। थोड़ा सा कहानी लिखो यार, एलीन मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, लिखा भैया एलीन मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर इन नेचर। यस सर। फिर लिखो देयर आर टू प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, देयर आर टू प्लेन ऑफ सिमेट्रीज इन एलीन। एलीन में बता रहे जो अभी बोर्ड पे लिखा है, देयर आर टू प्लेन ऑफ सिमेट्रीज इन एलीन, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है एलीन। आगे बताएं। यस सर। यस सर। अब जो एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे शो किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाहते हो तो एक एक्स वाई प्लेन होगा, एक वाई जेड प्लेन होगा। जिस तरीके हमने बोर्ड पे बना रखा है एलीन को, उस तरीके अगर आप देखोगे तो एक एक्स वाई प्लेन है, एक वाई जेड प्लेन है, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव कर रहा है इस वाले स्ट्रक्चर में। इतना समझ गया भैया, लिख लेना, ये बता चुके हैं। ठीक, चलो नहीं बताओगे। यस सर। एलीन मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या एलीन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है? हम ये पूछ रहे हैं कि जो एलीन आपने बनाया हुआ है, एलीन आपने ये बनाया हुआ है एच और एच, और यहाँ पे एक बना देते हैं वेज और एक बना, सॉरी वेज तो आगे रहेगा, डैश पीछे रहेगा, ऐसे इधर पे हो जाएगा डैश और यहाँ पे हो जाएगा वेज। तो क्या एलीन की जो मिरर इमेज होगी, क्या वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, बताओ? नो सर, सर सुपर इम्पोजेबल होगी। ये सुपर इम्पोजेबल होगी भाई, कोई बोले कैसे सर? अबे लिखो एक स्टेटमेंट और लिखो, लिखो एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, ऑल्दो नॉन प्लेनर है लेकिन एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। लिखा भैया एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। यस सर। बताओ दोस्त, एक बार और बना दो। यस सर। हेलो, कोई बोले कैसे? तो हम मान लो इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाएंगे तो जो भैया जो वेज है वो डैश ऐसे करके सी डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड सी, तो यहाँ पे एच और एच जो प्लेन वाले हैं वो इधर हो जाएंगे और जो सामने दिख रहा है वो ऐसे बन जाएगा, एच यहाँ पे और एच यहाँ पे। एलीन इटसेल्फ जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। बताएं भैया आगे, एलीन इसको हम बोलेंगे ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ये, तो इसका मतलब ये है कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब ये एलीन अकायरल कहा जाएगा। हम ऑप्टिकल एक्टिविटी किसमें पढ़ा रहे हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन में, तो पहले एलीन के बारे में तो बता दें। अब देखो दोस्त, हमारी बात सुनिए, जो ये स्ट्रक्चर लिखे हुए इनको देखो ऐसे है, तो आप देखिए जरा इसको, ये एलीन सपोज करो हमने दे रखा है, उसकी मिरर इमेज क्या ये वाली आएगी दोस्त? ये मिरर इमेज आएगी एलीन की? अरे बीच में मिरर है। यस सर। देखो दोस्त, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, इसकी मिरर इमेज सामने मिरर लगा के देखोगे तो ये आएगा। तो हम बोल, अच्छा ये जो ब्लू वाले दोनों बॉल्स हैं, ये मतलब इसमें दो ब्लू है और दो रेड येलो है, और इसमें भी दो येलो है और दो ब्लू है, एग्जैक्टली मिरर इमेज है ये। अगर हम इसको समाव दिखा ले जाए कि सुपर इम्पोजेबल है, तो इसका मतलब ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आप एक काम करो, रोटेशन जो अलाउ होता है किसी का, जैसे मान लो हमारा जो ये वाला है ना, ये इधर वाला, ये जिसको हम इधर शेक कर रहे हैं, इसको हम रोटेट करते हैं ऐसे, भाई रोटेशन वहीं पर किसी एक्सिस के अबाउट होता है, ऐसे रोटेशन कर दिया आपने, तो रोटेशन किया तो ऐसे, फिर इसी पे लाके सुपरपोज कराओ, देखो सुपरपोज कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। यस सर। भैया इसकी जो मिरर इमेज थी, जैसे ये एलीन है,
ये हमने जो ये हमारा राइट हैंड है, ये राइट हैंड पे हमने, हमारा राइट हैंड है ये, तो हमारे राइट हैंड पे ये मॉलिक्यूल है ओरिजिनल, और इस हमारे लेफ्ट हैंड पे उसकी एग्जैक्ट सेम मिरर इमेज आ रही है। तो उसकी मिरर इमेज हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली सुपरपोज कर रही है क्या? डायरेक्टली नहीं कर रही है, ऐसे लिखा होगा डायरेक्टली नहीं कर रही है, लेकिन हमने बोला है हो सकता है डायरेक्टली सुपरपोज ना करे, लेकिन जो मिरर इमेज है उसको अगर 180 डिग्री पर रोटेट कर दो तो रोटेट करने पे ये आ जाएगा, और रोटेट करके फिर लेके आओ तो देखो सुपरपोज सुपरइम्पोज कर रही है उसी के ऊपर। तो इसका मतलब है एलीन की जो मिरर इमेज है वो उसके ऊपर सुपरइम्पोज कर रही है। क्या कंडीशन होती है कि कोई मॉलिक्यूल उसकी मिरर इमेज या तो डायरेक्टली उसके ऊपर सुपरइम्पोज कर जाए, तब ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, या जो मिरर है उसको 180 डिग्री पर रोटेट करा दो फिर उसको सुपरइम्पोज करवा दो, अगर सुपरइम्पोज कर रहा है तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, क्योंकि इट फॉर्म एक सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। बताओ भैया क्लियर है? यस सर। तो इतना आप पहले बना लो, लिखो, फिर हम अब इसी में चेंज कर रहे हैं, देखना अभी। लिखिए, एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर बिकॉज इट फॉर्म अ नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर बिकॉज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन गलत बोल दिया हमने, बिकॉज इट फॉर्म सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। है भैया सुपर इम्पोजेबल समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ दोस्त, एलीन इटसेल्फ इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर बिकॉज इट फॉर्म सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है दोस्त? हेलो, यस सर। इतना कॉपी कर लिया ना भैया? चलो देखो, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ और चीजें। देखिए कुछ और क्या बताने जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट, एक मिनट। तो एलीन के लिए हम बोल रहे थे कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसको कभी एक्टिव ना मान लेना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इनएक्टिव रहेगा। अब देखो दोस्त, लेकिन एलीन के अगर हम कुछ और चेंजेस कर दें, चेंजेस क्या कर देते हैं, सपोज करो हमारा मन कर रहा है उसमें कि हम जो ये दोनों सेम एटम्स है ना, येलो वाले और ये ग्रीन वाले जो भी लिखे हुए हैं आपके ब्लू वाले, इनको चेंज कर देते हैं, तो चेंज करेंगे तो हमारे पास एलीन ये आ जाएगा। अगर ऐसा एलीन ले ले, देखो दोस्त हमने क्या किया हुआ इसमें, ये ग्रीन एटम हो गया, ये ब्लू एटम हो गया, मतलब हाइड्रोजन है और ड्यूटीरियम है। सपोज करो एक जगह हाइड्रोजन कर दिया, एक जगह ड्यूटीरियम कर दिया, और वैसे यहाँ पे कोई और एटम कर दिया, हमारा मन कर रहा है चेंज कर दिया हमने, ड्यूटीरियम और कोई और एटम ले लिया, तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी, क्या इसकी मिरर इमेज ये वाली आएगी दोस्त? एक मिनट, ये मिरर इमेज आएगी इसकी? बताओ भैया, ये मॉलिक्यूल की मिरर इमेज ये आएगी? यस। तो ये मिरर इमेज आएगी, तो हम बोल रहे हैं कि अगर एलीन में जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन्स H और H, इनको चेंज करके कोई दूसरे एटम लगा दें, हाइड्रोजन लगा दिया जाए, ड्यूटीरियम लगा दिया जाए, OH लगा दिया जाए, नाइट्रोजन लगा दिया जाए, कुछ भी, तो सपोज करो ये एलीन का डेरिवेटिव हो गया जिसकी कोई वैलेंसी है, ग्रीन पेन से दो वैलेंसी सेटिस्फाई करवा दी है, येलो से और ब्लू से, तो इसकी इमीडिएट मिरर इमेज ये आएगी। तो इमीडिएट मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोज करवाओगे तो नहीं कर रही है क्योंकि ये तो अलग है। कोई बोले 180 पर रोटेट करवा देंगे, 180 पे अगर तुमने रोटेट करवाया मेरे भाई, तो इधर वाला ये वाला ग्रीन, ये वाला ब्लू सुपर इम्पोज कर गया, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन पे येलो आ रहा है, येलो पे ग्रीन आ रहा है, दिख रहा है भैया? यस सर। तो इसका मतलब एलीन में अगर हम लोग जो हाइड्रोजन्स लिखे हुए हैं उन हाइड्रोजन्स को अगर चेंज कर दें, फिर से देखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी कोई बोले कि नहीं आ रहा है, हमने ये क्या किया, चेंज कर दिया एलीन में हाइड्रोजन्स को चेंज करके, हमने कोई ग्रीन बॉल लगा दिया दो, और एक लगा दिया येलो, और एक लगा दिया ब्लू, तो एलीन का डेरिवेटिव हो गया कार्बन 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 अभी भी, और बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड ये वाले, अरे डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ऐसे, एक डबल बॉन्ड ऐसे, मतलब वो साफ साफ दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन में डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड दिख रहा है वाई जेड प्लेन में, ऐसे दिख रहा है। तो जो भी बोलो नहीं तुम लोग। हाँ दोस्त, अच्छा बताने दो हमको, एक मिनट। तो क्या हो रहा है दोस्त कि ये वाला आपने देखा मॉलिक्यूल एलीन का डेरिवेटिव है, इसकी इमीडिएट मिरर इमेज लोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारी आईज के सामने मिडल में येलो येलो जा रहा होगा, और ये ग्रीन वाला जो हमारी तरफ है वो तुमसे दूर जाता हुआ दिख रहा होगा, तो इमीडिएट मिरर इमेज इसकी सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, तो इमीडिएट मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, तो जो मिरर है उसको रोटेट कर दो ऐसे 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 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो देखो राइट साइड हमारा जो राइट हैंड है उस पर ग्रीन वाला ग्रीन पे सुपर इम्पोज कर रहा है, और ब्लू वाला ब्लू पे सुपर इम्पोज कर रहा है,
लेकिन ये जो लेफ्ट साइड है इधर ग्रीन वाला येलो पे सुपरपोज कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है, और येलो वाला ग्रीन पे सुपर इम्पोज कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है भैया? Yes. बोलो, अब बोलो बे। हाँ तो जब पूछा करें तब बताया करो भैया। तो इसका मतलब एलीन का अगर डेरिवेटिव ले लिया तो सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। क्या इतनी चीजें क्लियर हो रही है आपको? Yes, हाँ तो अब बताया करो दोस्त। हाँ चलो देखो, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चाहते ही हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर चाहते हैं तो एलीन में ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन में पॉसिबल है। डेरिवेटिव्स ऑफ एलीन का मतलब क्या है? ये हम यहाँ पे एक काम कर देते हैं, ए बी और डी और ई लगा देते हैं एज यूजुअल, जैसे हम बोलते थे कोई जनरल है, ए बी डी ई कोई एटम्स है या ग्रुप्स है, तो इनकी जो मिरर इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, डी ई ये हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, ए बी। तो अगर ये कंडीशन जनरलाइज करके आप ये बता सकते हो, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी सेम नहीं होने चाहिए, और साइमल्टेनियसली डी नॉट इक्वल टू ई, अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर रही है इसमें, तो ये पक्का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। समझ में आ रहा है भैया? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और ये काइरल कहलाएगा। बताओ दोस्त, सबको समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, एलीन के ऐसे डेरिवेटिव, एलीन के ऐसे डेरिवेटिव जिनमें ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई आ रहे हैं, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, सारे के सारे, they will form non-superimposable mirror image. लेकिन अगर A और B सेम कर दिया तुमने, D और E में से कोई सेम कर दिया, तो optically inactive होगा, मतलब उसमें plane of symmetry आ जाएगी। उसको भी दिखाते हैं, पहले इतना copy करिए आप लोग अपनी copy में, इसको लिखो, फिर प्रूफ करते हैं कि A और B सेम करके दिखा रहे हैं। जल्दी करो, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है एलीन में, तो इट विल फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर रही है तो, अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर रही है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहा जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है बच्चा ये? यस सर। यस सर। हाँ तो ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, दूसरे वाले में चल रहे हैं आपको बताने कि अगर सपोज करिए हमारे पास A इक्वल टू B हो जाए, A इक्वल टू B हो जाए और या तो D इक्वल टू E हो जाए, जो भी चाहते हो, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे होगा? देखो दोस्त, हमने ये एलीन ले लिया, जरा इसको देखिए, गौर से देखिएगा इसको, इस वाले एलीन को देखो, हमने यहाँ पे दो ग्रुप सेम लगा दिए। अब चाहे तुम A इक्वल टू B कह लो इसमें, चाहे D इक्वल टू E कह लो, क्योंकि ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला सेम हो गया है, और यहाँ ग्रीन और ये येलो दिख रहा है, ग्रीन और येलो ये डिस्टिंक्ट डिफरेंट है। यस सर। तो हमने A इक्वल टू B कर दिया है, A इक्वल टू B, या चाहे D इक्वल टू E कह दो इसको, कोई बात नहीं। अगर एलीन ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब इट विल फॉर्म सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। डायरेक्टली भी देख सकते हो, अगर ये मॉलिक्यूल है तो एक काम कर लो कि येलो और ग्रीन को लाई करता हुआ एक प्लेन बना लो, ऐसे ये वाला प्लेन जिसमें येलो और ये ग्रीन वाले बॉल्स आ जाए, मतलब एक ऐसा प्लेन कर लो जिसमें येलो वाली ये जो दिख रहा है, ये ग्रीन वाला और ये तीनों ब्लैक वाले, तो स्ट्रेट लाइन में है, ये तीनों ऐसे लाई कर जाए। जब ये तीनों लाई कर जाएंगे तो क्या तुमको समझ में आ रहा है एकदम, ये दोनों ब्लू वालों को बीचों बीच से एकदम कट कर रहा है? बताओ बच्चा। yes, ऐसे आएगा ना? yes, sir. तो ऐसे आएगा तो इसका मतलब दोनों ब्लू के बीच में से एकदम जा रहा है, तो मतलब ये तो भाई अगर तुमने ये दोनों ब्लू सेम कर दिए किसी भी साइड, दो एटम्स अगर सेम कर दे रहे हो या दो ग्रुप सेम कर दे रहे हो, तो इसका मतलब वो डेरिवेटिव ऑफ एलीन ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो भले ही ये दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब डी और ई अनइक्वल है, लेकिन अगर ए और बी सेम हो गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। या ए एंड बी अगर डिस्टिंक्ट है, डी और ई अगर सेम हो गए, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आप डायग्राम से देखना चाहते हो रादर 3D में, तो आप एक काम करो ये ले लो और इसकी इमीडिएट मिरर इमेज जो आएगी ऐसे, सपोज करो ऐसे, यही आएगी भैया इसकी मिरर इमेज है दोस्त? यस सर। यस। तो ये, हाँ दोस्त, अगर ये मिरर इमेज आएगी तो डायरेक्टली तो सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, लेकिन अगर इसको आप 180 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर दोगे, ऐसे रोटेशन जो होता है कॉपी के प्लेन में एटम्स का ही होता है, जो एटम जहां पे है वहीं पर रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे नहीं किया जाता।
पहले क्या है ये मॉलिक्यूल, इसमें ये दोनों ब्लू वाले कॉपी के प्लेन में है, तीनों कार्बन कॉपी के प्लेन में, तो कॉपी के प्लेन से कार्बन को ऐसे खड़ा मत कर देना, कॉपी के प्लेन में ही तीनों कार्बन रहने चाहिए, तब 180 पर रोटेट करो, और रोटेट करोगे तो ये देखो ग्रीन वाला ग्रीन पे आ रहा है, येलो वाला येलो पे आ रहा है, दोनों ब्लू वाले दोनों ब्लू पे आ रहे हैं, तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई। तो इसका मतलब एलीन का इस टाइप का डेरिवेटिव ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इट विल फॉर्म सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बताओ दोस्त, क्लियर है ये? एलीन में अगर किसी को कुछ डाउट हो डायग्राम से समझने हो, इससे जो हम आपको मॉडल दिखा रहे हैं इससे, तो बता दो, नहीं तो इसका मॉडल हटा के अब हम दूसरी चीज अभी और भी कराएंगे कुछ और। बताओ कोई मॉडल फिर तो नहीं देखना? अरे एक चीज पूछना चाहता हूं। क्या पूछना है? सर एक टाइम में सर ए इक्वल टू डी हो जाएगा या बी इक्वल टू ई हो जाएगा सर, तब भी सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनका? हम वही तो बोल रहे हैं, ए इक्वल टू डी हो सकता है, बी इक्वल टू ई हो सकता है। कैसे? इसका भी देख लो एग्जाम्पल सुपर इम्पोजिबल वाला, ए इक्वल टू डी हो सकता है, बिल्कुल आराम से हो सकता है, उसमें कोई भी किसी पे कोई कंडीशन नहीं होगी। अभी इसके पहले वाला एग्जाम्पल हम वही दिखाए थे, अगर आपको हल्का सा ध्यान हो तो। यस सर, वो हम आपको दिखा देते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ये वाला मॉलिक्यूल जैसे हम आपको जस्ट दिखा रहे हैं, बस एक मिनट रुक जाओ। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सर ए इक्वल टू डी हो जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा? बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा वो, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल देखिए जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वाला। यही कहना चाह रहे हो ना? यही कहना चाह रहे हो ना भैया कि भैया हमने ये वाला मॉलिक्यूल है ब्लू वाला, ये ब्लू वाला सेम कर दिया, ए इक्वल टू डी कर दिया, तो ए बी डी और ई जैसा भी है तो दो सेम हो गए। तो हम बोल रहे हैं इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? अगर कॉपी का प्लेन वाला ये ऐसे ले लोगे इस वाले प्लेन में, तो इस वाले प्लेन में देखोगे तो ऊपर की तरफ ब्लू आ रहा है, नीचे की तरफ ग्रीन आ रहा है, तो ऐसा ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई नहीं। नहीं दोस्त, ये थोड़ी होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर, यस सर। और अगर तुमने इसको ऐसे कर लिया और ये वाला प्लेन कंसिडर किया, तो ये सारे एटम्स लाई कर जाएंगे, इसमें भी ब्लू और ये येलो अलग अलग आ गया, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, डी नॉट इक्वल टू ई होना चाहिए, बाकी ए और डी भी सेम हो सकते हैं, बी और ई भी सेम हो सकते हैं। और अगर आप देखना ही चाहते हो उसकी कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है नहीं बना रहा है, तो आप एक काम करो, ये मॉलिक्यूल ले लो, इस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज आएगी, इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज थोड़ा सा चेंज कर दिया मैं, रुको, इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज जो आएगी, सारे समझ में आ रहा है दोस्त क्या आएगा? यस सर। हाँ, तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मॉलिक्यूल दिख रहा है उसकी मिरर इमेज हम बना के एक बार दिखा दें जल्दी से, जिससे कि काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, वैसे हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं। देखो अगर आपने ये देखा हुआ है, यही जो ये बोल रहे थे ए इक्वल टू डी कर दिया, तो ए इक्वल टू डी कर दिया, दोनों ब्लू वाले हमने सेम कर दिया, ये जैसे ब्लू वाले जो आपको दिख रहे होंगे दो दो ब्लू, तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी, इसकी मिरर इमेज ये आएगी, आएगा ना भैया? अरे सेम ही तो है भैया, इसकी मिरर इमेज देख लो, वो तुम लोग बोलते हो ना तो उधर स्क्रीन पे आने लगता है, इसलिए फिर से हम बोल दे रहे हैं, इसकी मिरर इमेज यही आएगी। तो डायरेक्टली अगर आप सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, और अगर इसको 180 डिग्री को रोटेट करा, रोटेशन वही अलाउ होता है जो भैया कार्बन एटम तीनों प्लेन में ना, तो प्लेन में ही रहने चाहिए, उनको ऐसे खड़ा मत कर देना, उसी प्लेन में ऐसे रगड़ के ऐसे रोटेट कर दो, तो देखोगे ये राइट साइड तो ओवरलैप कर गया, लेकिन इधर पे येलो वाला अलग है, ब्लू वाला अलग है, नहीं कर रहा है ना भैया? अरे समझ रहे हो दोस्त? यस सर। हाँ, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा एलीन और एलीन के डेरिवेटिव्स के बारे में है, कि एलीन के डेरिवेटिव्स इस वाली कंडीशन में ए नॉट इक्वल टू बी डी नॉट इक्वल टू ई वाली कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एलीन इटसेल्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो सारे के सारे एलीन के डेरिवेटिव जो ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई वाली कंडीशन में है, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए हमने बोला है दे विल फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो एक चीज और देखो, लोग कायरल कार्बन सोचते हैं कि कायरल कार्बन है तभी ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ये देखो कायरल कार्बन यहाँ थोड़ी दिख रहा है, ये तो सब sp2 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। द नेसेसरी कंडीशन और सफिशियंट कंडीशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, आपको हमने बताया हुआ है, ठीक है भैया? मॉलिक्यूल में अगर उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है दोस्त? समझ में आ गया बच्चा?
तो इस पे बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, अगर ये समझ गए तो अब तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। जैसे हम तुम्हें बोल दें कि हमारे पास लिखा है एक तरफ सी एच डी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच डी, बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? पूछ रहे हैं बे, हैं? यस सर, यस सर, यस सर, ए हाँ, ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई वाली कंडीशन आ रही है आपको, ये वाले के बारे में क्या ख्याल है? दूसरा वाला हम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, आप कार्बन देखो ना। सर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा? हाँ, तो एक काम करो, कॉपी में लिखो, तुम लोग कॉपी में लिखो, फिर हमको बताओ। एम ई मतलब मिथाइल होता है, और हमको ये बताओ क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे, क्या करेंगे, चुपचाप तुम लोग करके इसको हमें आंसर बताइए। आंसर बताओ दोस्त इसका, कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, बस हम ये पूछना चाह रहे हैं। ई टी, ई टी मतलब मिथाइल, ये बताना है आपको कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे। और वो कार्बन्स हैं, कार्बन्स के साथ हमने फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट्स लगाए हैं, तो ग्रुप्स से एलिमेंट्स जो भी हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आप उसको बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अरे बीच में डबल बॉन्ड लगा है ये, कुछ और कंफ्यूज ना हो जाना, नहीं तो तुम बोलो क्या चल रहा है भैया, ये डबल बॉन्ड नहीं है हमारे पास। सेवेंथ वाला क्या हम आपसे पूछ लें, सी टू एफ सी एल, अरे सी थ्री ले लो इसको, बी आर और एच, इसके बारे में क्या ख्याल है? एट्थ वाला देख लो, सी थ्री डी एच एफ सी एल, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये कैसे भी कर सकते हैं, मतलब ए बी डी और ई में कुछ भी कर लो तुम, ऑर्डर में मतलब जैसे लिखा है वैसे कर रहा है, ऐसा थोड़ी है, कुछ भी कर लो तुम। चलो हमको बताओ ये एट क्वेश्चन गिवन है सर, सिक्स्थ हमको ये के अलावा सारे सारे सब ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे सिक्स्थ के अलावा। तो हमने अभी कंडीशन ये बोली है कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इसके अराउंड जो ये ए और बी होते हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, और इसके अराउंड जो आप ये एलीन बनाओगे यहाँ पे डी और ई, ये भी डिफरेंट होने चाहिए, और ये अगर डिफरेंट हो गए हैं तो ये पक्का ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल। साइमल्टेनियसली दोनों चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई, ये साइमल्टेनियस होने चाहिए दोनों, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। तो भैया ये जो कार्बन है उनके लेफ्ट साइड देखो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, राइट साइड भी दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तभी ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। मतलब इसको हम बोलेंगे अगर ऐसी कंडीशन है तो ये मॉलिक्यूल चिराल मॉलिक्यूल है, काइरल मॉलिक्यूल जिनको बोल रहे हैं लोग, काइरल मॉलिक्यूल है ये, काइरल मॉलिक्यूल अगर ए नॉट इक्वल टू बी डी नॉट इक्वल टू ई है तो, मतलब हेंस ऑप्टिकली एक्टिव है ये, और इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये मॉलिक्यूल काइरल है अगर ये वाली कंडीशन हुई। तो भैया ए वाला हो जाएगा दोस्त, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है ये ए वाला? यस सर, यस सर। सेकंड वाला भी हो जाएगा, थर्ड वाला भी हो जाएगा, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला भी हो जाएगा। अरे एच मिथाइल अलग होते हैं, एच और इथाइल अलग होते हैं, ए अलग है, भी हो जाएगा सर, फिफ्थ भी हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने पूछा था एक बार कि सर ए और डी बराबर हो सकता है, बिल्कुल ए और डी सेम हो सकते हैं, हमने एक कार्बन तो दोनों लगे हुए सेम नहीं होने चाहिए उसको प्रूव करके अभी दिखाया था, उससे कहोगे तो फिर से दिखा देंगे। फोर्थ वाला भी हो जाएगा, फिफ्थ वाला भी हो जाएगा, सिक्स वाले में प्रॉब्लम है। यस मिथाइल और सी एच थ्री सेम होते हैं, तो मतलब डी इक्वल टू ई हो गया या ए इक्वल टू बी हो गया, तो उस कंडीशन में ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। हमको ये बताओ कि जो ये सेवन और एट हैं, ये वो वाला क्या शो करेंगे? शो कर जाएंगे, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे। कितने पॉसिबल हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इनके बताओ, हाउ मेनी टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर देयर, फॉर एग्जाम्पल नंबर सेवन एंड एट, हाउ मेनी टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर देयर, फॉर एग्जाम्पल नंबर सेवन एंड एग्जाम्पल नंबर एट,
टोटल पॉसिबल बताना है तुम्हें, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिपीट ना कर देना, बस करोगे इसको। एक एग्जांपल 7 का 8 का, चलो बताओ। पहले इतना कॉपी करिए, ये क्वेश्चन लिखे थे अबे, क्वेश्चन लिखे थे तो पहले ये बताओ। यस सर, यस सर। अभी तुम लोग हमारी बात सुनो। हाँ हाँ, अभी हम पूछते हैं ना आप लोगों से आंसर, सोच लो थोड़ा सा। हम बोले हाउ मेनी टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर देयर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको बताना है। अगली वाली चीज देखिए, अगला वाला हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि दोस्त, मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये डबल बॉन्ड है, अच्छा एक अनसैचुरेशन को एक डबल बॉन्ड लिखते हैं, एक साइकिल को भी तो अनसैचुरेशन ट्रीट करते हो, नहीं करते हो? यस सर, यस सर, यस सर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, उसको हम एक्चुअली तुम्हें स्पायरो कंपाउंड पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अलग से नाम नहीं बताएंगे। हम तुमको ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने लगा दिया H, यहाँ पे लगा दिया D, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड C, और इस C के साथ हमने ये लगा दिया, ये वाली साइकिल, और इस साइकिल के साथ यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया D। तो मेरे दोस्त बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होगा तो क्यों, एक्टिव होगा तो क्यों, बताओ। एग्जाम्पल नंबर 9 सर, ऑप्टिकली एक्टिव होगा सर, एक्टिव होना चाहिए सर, ए नॉट इक्वल्स टू बी एंड डी नॉट इक्वल्स टू ई है। बहुत बढ़िया, जानते हो क्या ये एक्चुअली में ऑप्टिकली एक्टिव है, सुन लो सब लोग, बोलो नहीं अभी, रुक जाओ, सुनो आप, बस सुनिए। इस कार्बन को आप देख रहे हो कि सी डबल बॉन्ड सी आ गया, तो मेरे भाई ये साइकिल को भी तो डबल बॉन्ड मान सकते हो, एक साइकिल को एक अनसैचुरेशन के तरीके ट्रीट किया जाता है, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है हम साइकिल लगा सकते हैं। तो अगर तुमने साइकिल लगा दिया तो साइकिल या डबल बॉन्ड एक ही चीज, ऐसे अनसैचुरेशन होता है, तो A इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B हो गया, और दूसरी जगह जो साइकिल अगर डबल बॉन्ड मानोगे तो D इज नॉट इक्वल टू E हो गया, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या समझ में आ रहा है दोस्त, बताओ भैया? यस सर, यस सर। वैसे दोस्त हम एक काम कर सकते हैं, ये दोनों जगह हम साइकिल ये जो है बना देते हैं, और यहाँ पे A कोई एलिमेंट या ग्रुप है, B कोई एलिमेंट या ग्रुप है, D कोई एलिमेंट या ग्रुप है, और E कोई एलिमेंट या ग्रुप है, और अगर हम ऐसे कह दें स्पायरो कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाला, जो कि एलीन का एल्गोरिथम फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, डी नॉट इक्वल टू ई, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो क्या एग्जांपल नंबर 10 भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या 10 जैसे मॉलिक्यूल सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? तो एक काम करो, ये पहले लेफ्ट वाले लिख लो, फिर राइट वाले जाके लिखो कि वन अनसैचुरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, इधर इन द फॉर्म ऑफ अ डबल बॉन्ड और इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। तो डबल बॉन्ड और साइकिल कॉम्बिनेशन करके हम एलीन जैसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दो दो साइकिल ऑब्जर्व करके भी हम एलीन जैसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो दो साइकिल लिख के, दोनों साइकिलों को एक अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड एक साइकिल होती है, वैसे कर सकते हो, और ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई कर दिया, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसका मतलब एग्जाम्पल 9 एग्जाम्पल 10 एज वेल, अगर एक साइकिल एक डबल बॉन्ड क्यूमुलेशन में होने चाहिए, क्यूमुलेशन समझते हो, एक के बाद एक, क्यूमुलेटेड बोलते हैं, ऑल्टरनेट होता है तो कंजुगेटेड बोलते हैं, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। 9 और 10 को सर कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड्स बोलते हैं सर? सर आप 10th को स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं, आपको नॉमेनक्लेचर में बताया गया होगा स्पायरो, जब एक ही कार्बन से दो साइकिल लगी होती है तो स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड भी पढ़ा होगा तुमने, इस मिडल वाले कार्बन को देखो दो साइकिल लगी है ना इससे लेफ्ट और राइट में, इन्हें yes. बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड, और स्पायरो कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। ठीक है भैया, बताओ क्लियर yes. है? सारी चीजें कॉपी कर लियो? यस yes. हाँ, उसको कॉपी कर लो और अपने हिसाब से थोड़ा लिख लो, कोई जरूरी थोड़ी हम तुमको हर एक थ्योरी बताएं जो तुमको समझ में आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कि आगे गलती ना हो जाए, क्योंकि हम तो बताएंगे, हमें क्या पता एग्जाम तुम क्वेश्चन कैसे करते हो, तो जो तुम पॉइंट है जो हम बोल रहे हैं या नहीं लिखवा रहे हैं तुम्हें, उसको कॉपी कर लो, मतलब अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ऐड कर लो उसको स्पायरो कंपाउंड में या इसमें समय स्पायरो कंपाउंड बताया नहीं कितने होंगे, तुम लोग बताओगे ना बच्चा? अगर हम स्पायरो कंपाउंड तो थोड़ा इस तरीके लिख दें, ऐसे और ऐसे, स्पायरो चार मेंबर की रिंग भी हो सकती है, पांच मेंबर की रिंग भी हो सकती है, ये मत सोचना कि सर ने चार ही मेंबर की रिंग लगाई है। हम क्या करें, हमने यहाँ पे डी और ई लगा दिया, इसके बारे में क्या ख्याल है? 11 मॉलिक्यूल, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई है,
एंड डी नॉट इक्वल टू ई साइमल्टेनियसली, अगर ऐसा ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो ये सेम नहीं है, बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पे यहाँ लगाया है और यहाँ लगाया है, बीच वाला कार्बन ये है, यहाँ पे हमने यहीं पे लगा दिया, तो क्या फर्क पड़ता है रे? एक साइकिल अनसैचुरेशन कही जाती है, एक अनसैचुरेशन ऐसे करोगे उससे पोजिशन से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, क्या होना चाहिए? अनसैचुरेशन होना चाहिए। तो अनसैचुरेशन होने के लिए आपको ये मेरे दोस्त एक चीज तो देखो, अनसैचुरेशन होने के लिए क्या इस वाले कार्बन और फिर ऐसे ही इस वाले अनसैचुरेशन, मतलब एक अनसैचुरेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है और एक अनसैचुरेशन ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी भी पोजीशन पे लगा दो अनसैचुरेशन पे दो आ रहे हैं, तो क्या ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा? पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा ना भैया, नहीं बताओगे? यस सर, यस यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया दोस्त, तो हम तुमको एलीन के बारे में कुछ और भी बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 जनरलाइज करके बता रहे हैं, क्या हम लोग सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी लो ए बी और डी और ई लिख देते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? और हम ये बता दें ए नॉट इक्वल टू बी एंड साइमल्टेनियसली डी नॉट इक्वल टू ई, ये बताओ क्या होगा और क्यों होगा, और ऐसा कुछ कहीं देखे हुए हो क्या, ये भी बताना है तुम लोगों को। चलो बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था। बहुत बढ़िया लड़का, ये कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था, ये थोड़ी देखा था तुमने, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वाले देखे थे, ऐसा देखा था, ऐसे बोलो कि ऐसा देखा था। ठीक है दोस्त, अब देखिए हम ये बोलना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने देखा था जैसे ब्यूटीन होता है, टू ब्यूटीन बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो हमने बोला था ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं उनमें भी ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई वाली कंडीशन अगर होल्ड करती है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल कलेक्शन एक्टिव होगा ऑप्टिकल। हाँ रुको बताने दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने क्या बोला था, ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन बोर्ड के प्लेन में आता था, सेम हाइब्रिडाइजेशन होता था, और अगर ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई होता था तो उसे बोलते थे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप ये कहना चाहते हो कि ये लेफ्ट वाला कार्बन, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग है, एक्सट्रीम राइट वाले का हाइब्रिडाइजेशन अलग है, दोनों डिफरेंट प्लेन में है ना, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 टाइप से आएगा, यही कहना चाह रहे हो ना? यस। नहीं कह रहे हो भैया? yes, तो एक काम करो, चलो चलो हम बता देते हैं, एक काम करते हैं पहले इनके ना हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। कोई बोले सर ये sp2 है, अरे तो sp2 है तो एक काम करो इसको मान लो sp2 का मतलब मान लेते हैं spx py हाइब्रिडाइज्ड है, तो अगर लेफ्ट वाला कार्बन spx py हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब इसका प्योर pz ऑर्बिटल पाई बॉन्ड मान रहा होगा, तो इस पाई बॉन्ड का नाम क्या आएगा, क्या इस पाई बॉन्ड का नाम pz पाई आएगा? इसका नाम आएगा pz पाई। कोई बोले अच्छा सर ये मिडल वाला कार्बन तो दो सिग्मा बना रहा है, दो सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड, तो उस sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग बोलते हैं spx हाइब्रिडाइजेशन, अज्यूमिंग x एक्सिस टू बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जिस पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक, तो अगर आपने spx इस वाले कार्बन को लिखा तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर इसे तुमने spx बोल दिया तो ये कार्बन ये बोलेगा भैया कि हमारा तुम spx यहां ले रहे हो, pz इधर पाई बनाने के लिए ले रहे हो, तो इस पाई बनाने के लिए कौन सा ले रहे होगे, उसका वाला py ले रहे होगे, क्योंकि px py pz तीन ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के पास, ये बोलेगा हमारा py इन्वॉल्व कर दिया तुमने इसमें, तो इस वाले पाई बॉन्ड का नाम होगा py पाई, तो जब इस वाले का नाम py पाई है तो ये कार्बन ये बोलेगा कि भैया हमारा py तुमने लेफ्ट साइड ले लिया पाई बॉन्ड बनाने के लिए, एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो spx ये कह दोगे, तो इस राइट वाले कार्बन के लिए उसका कौन सा ऑर्बिटल होगा जो बॉन्ड बनाने जाएगा पाई, pz, तो फिर इस पे आ जाएगा इस वाले पाई बॉन्ड का नाम pz और pz पाई, इसका नाम हो जाएगा pz पाई, तो ये वाले कार्बन पे आओ ये बोलेगा यार हमारा pz तो तुमने लेफ्ट साइड ले लिया,
और x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन तो spx ही रहेगा, तो spx ऑर्बिटल यहाँ, pz ऑर्बिटल यहाँ, तो इस वाले का नाम क्या होगा, पाई वाले का सर, पी वाई पाई, बस हो गया, इसका नाम यही होगा। और इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले क्या था, pz, और ये क्या आ गया, py, तो फर्स्ट और लास्ट वाले का प्लेन डिफरेंट हो गया। तो हमें क्या मतलब है डबल बॉन्ड से बीच में, जैसे ये वाला है एक डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऐसे 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 टाइप से बीच में, ऐसे टाइप से, और एक डबल बॉन्ड ये दिख रहा है जो ऐसे बना हुआ है, मतलब आपको दिख रहा होगा, ये समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड देखो गोल गोल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं, अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक पीवाई पीवाई दिख रहा है, एक पीजेड पीजेड दिख रहा है, तो एक पीवाई पीवाई दिख रहा है, एक पीजेड पीजेड दिख रहा है, एक पीवाई पीवाई दिख रहा है, एक पीजेड पीजेड दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि बीच में ऐसे और भी कार्बन लगाते चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, फर्स्ट वाले पे जो एटम्स लगे हैं और लास्ट वाले पे जो एटम्स लगे हैं, अगर वो डिफरेंट प्लेन में आ गए, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट, कितने भी हों, अगर फर्स्ट वाले पे ये दोनों एच ऐसे आ रहे हैं, मतलब दोनों एटम्स ऐसे आ रहे हैं, लास्ट वाले पे दोनों एटम्स ऐसे आ रहे हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव कहे जाएंगे, रादर नॉन प्लेनर कहे जाएंगे। तो इसका मतलब है, जैसे हमने आपको ज्योमेट्रिकल में पढ़ाया था कि ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते थे जब ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई वाली कंडीशन थी, वैसे ही यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं कि एलीन्स के जो डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो, अगर इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, तो वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कीपिंग इन माइंड ए नॉट इक्वल टू बी एंड डी नॉट इक्वल टू ई। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर, यस सर। हाँ दोस्त, तो इसको कॉपी करो, कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, फिर हम आगे पढ़ाएं, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करिए भैया। आगे बताएं, कॉपी कर लिया होगा। यस सर। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही अगर आप लोग देख रहे हो, जनरलाइज करना चाहे तो क्या कर दे, ऐसे इसका इस जगह पे होल एन कर दिया जाए, होल एन इसी को, और इस एन की वैल्यू यहाँ पे होल एक्स कर दे, एक्स नहीं एन कर दे, स्मॉल एन। तो इस एन की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई इंटीजर हो सकती है, एन कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर, या एन कैन टेक कोई वैल्यू, जीरो नंबर भी हो सकता है, इंटीजर ले सकता है। तो आई प्लस लगा दे अगर, तो क्या मान सकते हो इसकी वैल्यू, ऐसे जनरलाइज करते चलेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ही शो करेगा। अरे एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, या इसी एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, एन की वैल्यू 3 पुट करोगे, एन की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हो, नहीं समझ रहे हो भैया? यस सर। तो एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएंगे एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा पहले कर दिया हमने, हाँ ठीक है, चलो बीच में कार्बन हो जाएगा। तो ये क्या आप लोगों को एलीन वाली चीज समझ में आ गई, कि कायरल कार्बन होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताओ दोस्त, एलीन समझ गए? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, वो जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर अभी तुम लोग बताओगे या पूछेंगे, फिर लिखिए, हेडिंग लिखिए भाई, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जगह वगैरह छोड़ देना, नहीं तो पता लगे तुम जगह ही नहीं छोड़े हो फिर सॉल्व कराए। एलीन वाला हो गया, अब एक काम करते हैं हम लोग दोस्त, आते हैं, लिखिए हेडिंग लिखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, बाइफिनाइल ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल।
ठीक है भैया। यस ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल। कोई बोले क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं बाइफिनाइल, बाइफिनाइल क्या होता है? ये होता है यस सर, एक और पीएच, पीएच को बाइफिनाइल बोलते हैं, मतलब ये ऐसे। इन सारे पोजीशंस पे क्या लगे होते हैं? सारे पोजीशंस पे एच लगे होते हैं ना मेरे भाई, सारे पोजीशंस पे एच लगे होते हैं। यस सर, इधर आओगे तो एच लगा होगा, C6H6 होता है यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे सारे पोजीशंस पे एच एच लगे होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं बाइफिनाइल। ऐसे एच लगा दिया, एच लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दो, इन्हें बोलते हैं बाइफिनाइल। हम ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल पढ़ाना चाह रहे हैं, बाइफिनाइल थोड़ी पढ़ाना चाह रहे हैं। बाइफिनाइल जो होता है एक्चुअली में इटसेल्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव कह सकते हैं उसको, बाइफिनाइल समझ रहे हो भैया? अरे पीएच, पीएच को बोलते हैं बाइफिनाइल, पीएच और पीएच दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं बाइफिनाइल। और हम ऑर्थो डेरिवेटिव पढ़ाने जा रहे हैं, पहले तो बाइफिनाइल बनाओ, जल्दी बनाओ बाइफिनाइल। यस सर, एक्चुअली में बाइफिनाइल रिंग जो होती है वो प्लेनर नहीं होती। प्लेनर क्यों नहीं होती उसको हम बता रहे हैं। देखो थोड़ा सा आपको पहली बार पता लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बायफिनाइल रिंग में ये जो एच होते हैं दोनों, ये वाले एच ये काफी नजदीक होते हैं, तो इनमें रिपल्शन लगता है। ये वाले एच आपको दिख रहे होंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एकदम बगल बगल आ गए, थोड़ा सा नजदीक बना दें इसको जानबूझ के, ऐसे एच और एच। तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन, अच्छा दोनों रिपल्शन नजदीक क्यों आ गए? बहुत लोगों को ये डाउट होता है सर इतना नजदीक कैसे आ गए। हमारी बात सुनो, बेंजीन में सब कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो सिंगल बॉन्ड से छोटे होते हैं डबल बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्ड से छोटे पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं। बताओ भैया सिंगल बॉन्ड से छोटे होते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। जो सी एच बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड हो तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, डबल बॉन्ड और छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है। सबसे जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड आप बनाते हो किसी एटम के बीच में, दो एटम के बीच में, उनका साइज छोटा होता चला जाता है। ट्रिपल बॉन्ड एकदम छोटा, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा बड़ा, डबल बॉन्ड थोड़ा और बड़ा, पार्शियल डबल बॉन्ड थोड़ा और बड़ा, सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है। तो मेरे दोस्त जितना भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये सारे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड छोटे छोटे हैं, लेकिन जो सी एच बॉन्ड है वो लंबा बॉन्ड है। तो बायफिनाइल क्या होता है? हमारी बात सुनिए, बायफिनाइल रिंग जो होती है वो ये होती है। हमारी बात सुनो दोस्त, हेलो दिख रही है तुम लोगों को बायफिनाइल? तो बायफिनाइल रिंग ये होती है, इनके अज्यूम कर लेना कि सारे जो ब्लू वाले एटम्स हैं वो कार्बन है, सारे येलो वाले कार्बन है। तो बायफिनाइल रिंग में एक्चुअली में सारे पे हाइड्रोजन लगा है, वो हाइड्रोजन दिखाया नहीं है, बड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन्स है, वो सॉरी कार्बन्स है जो लगे हुए हैं, दोनों फिनाइल रिंग है। तो बायफिनाइल रिंग एक्चुअली में प्लेनर नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में जो हाइड्रोजन्स हैं वो रिपल्शन लगा रहे होते हैं। एक रिंग हल्की सी 45 डिग्री पर टिल्ट हो जाती है, देखो 90 डिग्री पर टिल्ट होगी तो ये दिख रहा होगा, अगर आप देखोगे तो पूरी येलो वाली वर्टिकल हो गई है, 90 पे अगर टिल्ट करवा दें। लेकिन दोनों हाइड्रोजन में थोड़ा सा रिपल्शन होता है, तो पहले रिंग ऐसी थी तो थोड़ा सा रिपल्शन है, तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो हाइड्रोजन है उसी प्लेन में आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन पर रिपल्शन जो लग रहा है उसकी वजह से ये रिंग येलो वाली या ब्लू वाली जो भी रिंग है, मान लो येलो वाली, हल्की सी टिल्ट हो गई, और वो टिल्ट 45 डिग्री पे होती है। कुछ समझ में आ रहा है बायफिनाइल रिंग वाला? ठीक है दोस्त, अभी रुकिए, अब हमारी बात सुनिए। तो बायफिनाइल रिंग में ये होता है कि वो प्लेनर रिंग नहीं है, हल्की सी 45 डिग्री पे टिल्ट होती है, मतलब स्टेबिलिटी के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस रिंग का जो प्लेन है वो हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, और ये एंगल होता है 45 डिग्री, जिससे स्टेबल हो जाए वो। ये बायफिनाइल रिंग में ये दोनों रिंग एक प्लेन में नहीं होती, हल्की सी टिल्ट हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन ऑर्थो हाइड्रोजन्स। तो अपनी कॉपी में पहले लिखो कि एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ टू बायफिनाइल रिंग इज 45 डिग्री ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन ऑर्थो हाइड्रोजन्स। एंगल बिटवीन टू बायफिनाइल रिंग, एंगल बिटवीन ये जो दो प्लेन ऑफ बायफिनाइल रिंग इज 45 डिग्री। बताओ भैया बायफिनाइल रिंग के बीच में एंगल 45 डिग्री का आएगा,
हेलो, कुछ समझ में आ रहा भैया? यस सर। रिपल्शन लगता है इसलिए ऐसा हो रहा है, रिपल्शन लगता है इसलिए ऐसा हो रहा है, रिपल्शन लगता है इसलिए ऐसा हो रहा है दोस्त। अब हम एक काम करते हैं, बायोफिनाइल रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा बल्की ग्रुप लगा देते हैं। तो सुनो, हमारी बात सुनो, कैसे हो रहा है पहले सुन लीजिए। बुक्स वाले ये बोलते हैं कि अगर बायोफिनाइल रिंग ऐसे लिखा हुआ है आपने, और बायोफिनाइल रिंग के पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दो वैसे ही ए बी डी और ई, लेकिन ये ध्यान रखना ए बी डी ई हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, हाइड्रोजन से बड़े साइज के होने चाहिए, और ये रिंग है। बोलते हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, ये रुक जाओ अभी, नॉन सुपर इम्पो अभी प्रूफ कर रहे हैं इसको, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जिसको आप लोग बोलते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब काइरल होगा, एनेंशियोमर होगा, ये दोनों एनेंशियोमर्स कहलाएंगे, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई हो रहा है, तो अगर ए नॉट इक्वल टू बी एंड साइमल्टेनियसली डी नॉट इक्वल टू ई है तो, और इन दोनों रिंग के बीच में एंगल, जो एंगल होता है इन दोनों रिंग के प्लेन के बीच में, वो 90 डिग्री का हो जाता है। पहले हमको बनाने दीजिए, 90 डिग्री का हो जाता है, क्या कहना चाहता है, जैसे ये देखो, अरे इस वाला लुढ़क गया, ये तो दिख रहा भैया ऑर्थो पोजीशन पे हमने कुछ कर रखा है। हेलो, यस सर, यस सर। ये बायोफिनाइल रिंग है जिनके ऑर्थो पोजीशन पे हमने ग्रुप्स लगा रखे हैं। तो सोचो ऑर्थो वाले वैसे यहाँ पे थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन जब नजदीक नजदीक आएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन लगेगा, तो क्या वाली रिंग ऐसे नहीं हो जाएगी, एक रिंग कुछ विजुलाइज कर पा रहे हो, एक रिंग ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब रिपल्शन लगने की वजह से वो रिंग और टिल्टेड हो जाएगी, जो इतनी पहले तो उससे ज्यादा 90 डिग्री पे, पहले 45 डिग्री पे थी हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से, अब हमने ये ग्रीन और ऑरेंज कलर की जो बॉल्स लगा रखी है इनकी वजह से इन रिंग के बीच में एक्चुअली में रिपल्शन इतना लगेगा कि रिंग ये 90 डिग्री पे हो जाएंगी। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है दोस्त? यस यस। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये बायोफिनाइल रिंग ली हुई है और आपने यहाँ पे देखा कि भाई इनके बीच में ऑर्थो हाइड्रोजन जो ग्रीन वाली बड़ी बड़ी बॉल्स दिख रही हैं और ये जो ऑरेंज वाली बड़ी बड़ी बॉल्स दिख रही हैं, इनके बीच में रिपल्शन लगेगा, तो दोनों रिंग अपनी प्लेन चेंज कर लेंगी। एक रिंग नीचे वाली ध्यान से देखो, तो ये ऐसे आ गई परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये होता है ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायोफिनाइल। और अगर हमने बोला है कि ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई हो जाए, मतलब ग्रीन वाली बॉल ऑरेंज वाली बॉल जो ए इक्वल टू बी, मतलब एक ही रिंग पे लगी हुई जो ग्रीन और ऑरेंज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, दूसरे रिंग पे हो सकता है वो दोनों पहले वाली रिंग वाली से कॉमन हो जाए ग्रीन और ऑरेंज, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ रुक जाओ, अभी रुक जाओ भैया, बोलो। नहीं नहीं, तो स्क्रीन पे लोगों को दिखता नहीं ना, कुछ लोग बोल रहे थे सर आप जब बोलते हैं तो बीच में बोलने लगते हैं लोग, तो फिर से सुनिए। हमने बोला बायोफिनाइल रिंग, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायोफिनाइल रिंग ये थी हमने जो बनाया हुआ है, और इस ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायोफिनाइल को हमने बोला कि ऑर्थो में हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ये ऐसे हो जाता है, तो ऐसे होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि एक रिंग पूरी परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाती है, उसके दोनों ऑर्थो हाइड्रोजन पूरे परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाते हैं, और ऊपर वाली ऐसे अलग तरीके है दूसरे प्लेन में है, तो अगर एक एक्स वाई प्लेन में है दूसरी वाई जेड प्लेन में हो जाएगी, तो ये ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायोफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर तुम अटेम्प्ट करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने का, तो सपोज करो ये जो येलो वाली रिंग है, येलो वाली भैया पूरी बेंजीन कॉपी के प्लेन में आएगा, तो ऊपर येलो वाला जो हमारी फिंगर हम टिप कर रहे हैं ऐसे इंडेक्स फिंगर से, देखो उस वाली रिंग को आप एक प्लेन में ले लो, तो जब इस वाली रिंग को टॉप वाली रिंग को प्लेन में ले लोगे, तो उसके लगे हुए सारे येलो वाले एटम्स और जो ऑरेंज वाला एटम और ग्रीन वाला एटम है एक प्लेन में आ जाएंगे, वे आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ऊपर, यस। और वो प्लेन दूसरी वाली रिंग के बीचों बीच से पास करेगा, एकदम दूसरी वाली रिंग के एकदम बीचों बीच से, ये वाला प्लेन दिख रहा है, यस। दूसरी वाली रिंग के बीचों बीच से पास करेगा, लेकिन दूसरी वाली रिंग के एक तरफ देखोगे ग्रीन बॉल आ रही है, एक तरफ ऑरेंज आ रही है, तो इसका मतलब ग्रीन और ऑरेंज डिफरेंट होने की वजह से ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। समझ में आ रहा है भैया? यस।
Yes. Yes. तो इसका मतलब है कि ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल जो होता है, अगर ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई कर दिया जाए, चाहे ए इक्वल टू डी हो जाए चाहे बी इक्वल टू ई हो जाए, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। कुछ समझ रहे हो दोस्त? यस नहीं समझे? यस सर। हाँ तो इतना सबको समझ में आ रहा है कि भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब हमारी बात सुनिए, थोड़ा सा और हमें भी समझा रहे हैं। रुक जाओ। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई, डी नॉट इक्वल टू ई, सॉरी ई है भैया, ये गलती से कुछ और रखो, ई है, तो हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, हेंस ये ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायोफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और ये दोनों रिंग के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर एक रिंग आपने ये बनाई है बड़ी सी, हमारी बात सुनो, अगर ये रिंग आपने ऐसी बनाई है और यहाँ पे लगा दिया ए, यहाँ पे लगा दिया बी, तो दूसरी वाली रिंग जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, ऐसे 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 और ऐसे। अरे 3D में कैसे बनाए, ये समझ पा रहे हो? परपेंडिकुलर रिंग टाइप से। अरे परपेंडिकुलर नहीं समझ पा रहे हो भैया? वो वाली रिंग अगर कॉपी के प्लेन में है तो ये वाली रिंग ऐसे है, 3D नहीं बना पा रहे हो अच्छे से। ये वाली रिंग थोड़ी सी इस तरीके है, चिपटी टाइप से ऐसे। अब 3D उतनी अच्छी बन नहीं रही हमसे, तुम लोग बना लोगे। समझ में आ रहा भैया? ये रिंग परपेंडिकुलर है, अगर ये वाली कॉपी के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, तो ये वाली रिंग जो आएगी वो ऐसे होगी खड़ी खड़ी, तो उसके डी और ई यही रिंग तो है। बताओ दोस्त। यस सर। ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायफिनाइल, चलो हमने क्या बताया, बायफिनाइल इटसेल्फ इज नॉन प्लेनर इन नेचर। बायफिनाइल क्यों दोस्त? क्योंकि उनमें जो ऑर्थो हाइड्रोजन है उनके बीच में रिपल्शन लगता है, इसलिए एक रिंग 45 डिग्री पे ऐसे होती है, एक रिंग 45 पे टिल्ट हो जाती है। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन को हटा के तुमने कुछ और कर दिया तो मेरे भाई वो रिंग पूरी की पूरी 90 पे आ जाएगी, 90 पे। अगर ऑर्थो पे तुमने हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप लगा दिया, ए बी डी ई, तो इनके बीच में रिंग के प्लेन में 90 का एंगल आ जाएगा। 90 यहाँ दिखाया नहीं, ठीक है, ये यहाँ बेंजीन है, सही है। तो ये अगर ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। समझ में आ रहा है सबको दोस्त? बताओ भैया। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब तुम में से कोई बोलेगा सर अगर ए इक्वल टू बी कर दें हम तो क्या होगा, या डी इक्वल टू ई कर दें हम तो क्या होगा, तो हम एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। पहले इतना कॉपी कर लो, अब हम बताने जा रहे हैं ए इक्वल टू बी अगर हो गया तो क्या होगा। सर यहाँ पर ए बी डी और ई सर चारों ही हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए ना? चारों ही हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, है ना दोस्त? Yes, इतना कॉपी कर लो भैया जल्दी से, हम अगला वाला एग्जांपल कराने जा रहे हैं आपको कि ए इक्वल टू बी कर देते हैं, जैसे किसी को लग रहा हो ए इक्वल टू बी कर देते हैं हम और कुछ और डी इक्वल टू ई, सर फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, इस एग्जाम्पल में हमने बॉटम पे दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ग्रीन हाइड्रोजन लगा दिए बॉटम पे, तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ग्रीन हाइड्रोजन है, तो एक काम करो, पहली बात तो ये रिंग दोनों एक प्लेन में नहीं आएंगी, तो इसको ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएंगी, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई? यस सर। कोई रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में, तो येलो वाली रिंग अगर तुमने परपेंडिकुलर प्लेन में ली तो येलो वाला टॉप वाला देखना, टॉप वाले जो येलो वाले 6 कार्बन है और ऑरेंज वाली बॉल और येलो वाली बॉल, हम इसी को लेता हुआ एक प्लेन ले लें, तो क्या ये प्लेन जैसा दिख रहा है आपको वो वर्टिकली जाएगा और दोनों ग्रीन वाली बॉल्स को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, नीचे वाली रिंग को एकदम बीचों बीच से पास करेगा? यस सर। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली पूरी रिंग के ऑर्थो पोजिशन पे जो एटम लगाए हैं भले ही डिस्टिंक्ट हैं ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन वो एक प्लेन में आ जाएंगे, और नीचे डी और ई जो लगाया है वो तो सेम कर दिया आपने ब्लू वाली बॉल पे, तो उस वाली रिंग को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है अगर आपने कोई रिंग ऐसी ली है जिसमें ए इक्वल टू बी हो जाए या डी इक्वल टू ई हो जाए, कोई रिंग ऐसा ले लो जिसमें ए इक्वल टू बी हो जाए या डी इक्वल टू ई हो जाए, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
तो इसका मतलब ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायफिनाइल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा अगर ए इक्वल टू बी या डी इक्वल टू ई एज मेंशन्ड हमने जो बोर्ड पे लिखा हुआ उसके हिसाब से अगर ऐसा होता है तो ये होता है ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायफिनाइल जिसमें ए इक्वल टू बी दिखा दिया हमने या इसको डी इक्वल टू ई मान सकते हो तो ये रिंग पूरी रहेंगी 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर जाएंगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आ जाएगा तो जिस रिंग में दोनों एटम डिफरेंट हैं उस रिंग को एक प्लेन में ले लो जिसमें हमने ये टॉप वाली रिंग दिखाई है सारे येलो वाले कार्बन और ऑरेंज वाला एक एटम और ब्लू वाला एक एटम जो ऑर्थो पोजीशन पर लगे हैं उनको आप एक प्लेन में ले लो तो ये ब्लू वाली रिंग जो होगी पूरी दूसरे प्लेन में आएगी लेकिन ये जो येलो वाली रिंग का प्लेन है उसके मतलब उसको प्लेन में लाइक करता हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो नीचे दोनों ग्रीन वालों को बीच में से कट करेगा तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई अगर आपने ए इक्वल टू बी कर दिया या डी इक्वल टू ई कर दिया तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी मॉलिक्यूल में यस यस सर सबको समझ में आ रहा है बे यस सर हाँ तो ये समझ में आ गया हटा दें इसको यस हैं कॉपी कर रहा है कोई हो गया हटा दें यस सर यस सर हाँ सर एक मिनट तो हमने ये बोला कि ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायफिनाइल जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं बस एक चीज उसमें होनी चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई वाली कंडीशन एक साथ होल्ड करनी चाहिए अलग अलग नहीं ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई तो ये हो जाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव इसका मतलब कायरल कार्बन होना ना होना उससे फर्क नहीं पड़ता जैसे हम मॉलिक्यूल नंबर वन लिख देते हैं जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल वन है हम एक ही प्लेन में दिखाएंगे लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों रिंग का प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे एक जगह हमने लगा दिया CH3 एक जगह लगा दिया COOH और एक जगह लगा दिया हमने NH2 और एक जगह लगा दिया हमने CHO तो कोई कायरल कार्बन है क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या भाई अरे ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायफिनाइल में कायरल कार्बन होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हेलो डिस्कनेक्ट हो गया क्या हेलो हेलो यस सर यस सर तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे ये बताओ नॉन सुपर इम्पोजिबल यहाँ पे एम ई लगा दिया यहाँ पे ई टी लगा दिया लिखते जाओ एम ई टी हेलो भाई यहाँ पे ई टी और एम ई कर दिया ET और ME ये बताओ जिसको A, B और D और E वाला आइडिया है A, B, D, E वाला आइडिया है वो ऐसे ही कर लेगा वहां पे जाके प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है इसलिए हमने सबसे जनरलाइज वाला स्टेटमेंट पहले ही बोल दिया है A नॉट इक्वल टू B, D नॉट इक्वल टू E बाकी ये मॉलिक्यूल दिखेंगे तो वहां जाके दिमाग मत लगाना यही याद कर लेना हो जाएगा सारा का सारा वहां भी लगा सकते हो जिनको नहीं पता होता वो यही सोचते हैं तो तुमको ये बताना ऐसे मिरर बनानी है और बताना है कि क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे या सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे तो अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कोई बोले ये लगा दिया हमने और कोई बोले यहाँ पे हमने लगा दिया सपोज करो COOH कोई बोले हमने सर यहाँ पे लगा दिया NO2 और यहाँ पे लगा दिया हमने कोई 6 मेंबर की रिंग अब बताओ दोस्त क्या होने वाला है इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा मॉलिक्यूल लिखते जाना क्योंकि एग्जाम में आता है तो लोग परेशान रहते हैं सर 3 में फिनाइल है वो फिनाइल नहीं है नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन ये हो गया 3 एग्जांपल अगर कोई बोले सर फोर्थ वाला बताओ तो फोर्थ वाला हम तुमको लो थोड़ा सा इनका मन कर रहा था फिनाइल फिनाइल तो लो फिनाइल देख लो हमने क्या किया यहाँ पे एक और बेंजीन लगा दिया लो ये बेंजीन और यहाँ पे लगा दिया कोई NO2 सर थर्ड वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और यहाँ पे लगा दिया हमने CH3 और यहाँ पे लगा दिया ऐसे 3 नंबर की साइक्लोप्रोपेन तो तुम्हें बताना है ये बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर में बनाएंगे क्या बनाएंगे 1, 2, 3 में बताओ वन वाला होगा अरे तुम ए नॉट इक्वल टू बी डी नॉट इक्वल टू ई से देख लो ना ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक करिए ए वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना भैया अरे एनशियोमर होंगे ना ये और इसमें मिरर इमेज एन एनशियोमर वर्ड हमने लिख दिया इसका मतलब साफ साफ ये हम बोल रहे हैं
ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसका मतलब दूसरे वाले में भी अगर एनेंशियोमर वर्ड लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल काइरल हैं, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब दोनों ही काइरल होंगे। थर्ड वाले में क्या है, अरे ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक तो है, बड़ा सा ग्रुप लगा दिया, साइकिल लगा दिया वे yes. ये साइकिल लगा दिया तो ऑर्थो पोजिशन बल्कि ग्रुप लगा है, बल्कि ग्रुप से हमें मतलब है हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कोई बोले सर ऑर्थो से मेटा तक उसने ब्लॉक किया, ये तो अच्छी बात है, दोनों रिंग के प्लेन में 90 का एंगल तभी तो बनेगा जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप लगाओगे, तो अच्छी बात है वो दूर तक फैला हुआ है, कोई बात नहीं। हम तो ये बेंजीन है सर, ये बेंजीन है, ये वाला बेंजीन है भैया, yes, तो हमने गलती से कुछ बता दिया था। और अरे ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल पढ़ा रहे हैं तो दोनों बेंजीन है, उनके ऑर्थो पोजिशन से ब्लॉक है, तो ये भी एनेंशियोमर बनाएगा, इसका मतलब ये तीनों ही हो गए, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे। कहीं भी काइरल कार्बन नहीं है तो काइरल कार्बन बहुत पीछे छोड़ा है हम लोग, बताया था प्रेजेंस ऑफ काइरल कार्बन, ये आईआईटी का स्टेटमेंट हम बार बार रिपीट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ काइरल कार्बन इज नॉट अननेसेसरी नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल 4 के बारे में क्या ख्याल है भाई, बेंजीन बेंजीन हो गया, आप क्या करोगे सर? अभी भी एनेंशियोमर ही बनेंगे सर, वही कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा सर, अभी भी वही कंडीशन है भैया, ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक किया हुआ तुमने। अगर कोई बोले सर हमने यहाँ पे NO2 लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया NO2 और यहाँ पे लगा दिया हमने कोई ये एक CH3 और यहाँ पे लगा दिया हमने कोई CHO, अब बताओ मेरे भाई क्या होगा इसमें? ऑप्टिकली इनएक्टिव, 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 इनएक्टिव कैसे है सर? A इक्वल टू B, A इक्वल टू B हो गया, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं NO2, यहाँ पे लगा देते हैं कोई CN, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और यहाँ पे लगा देते हैं ME, और ये बेंजीन। अब बताओ दोस्त सर ये भी इनएक्टिव होगा, मिथाइल एंड CH3 वो एक ही चीज, यस। आप चाहो तो A नॉट इक्वल टू B, D नॉट इक्वल टू E वाली कंडीशन लगा सकते हो, उससे डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि वो हम अभी इससे मॉडल से प्रूव कर चुके हैं। और अगर वो नहीं चाहते हो तो देख लो ये, मतलब मॉडल से प्रूव नहीं तो NO2 A इक्वल टू B आ रहा है, वही वाली चीज, ठीक है। तो A इक्वल टू B आ गया, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल कह दो तो ज्यादा अच्छा है। आइडेंटिकल का मतलब अपने आप समझ में आ रहा है कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस की बात कर रहा है वो, इसका मतलब ये एनेंशियोमर्स नहीं है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये दोनों मीजो हैं, दोनों ही मीजो हैं, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इंटरनल कंपनसेशन है। अरे मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब इंटरनल कंपनसेशन ही होता है। बताओ भैया समझ में आ रहा है दोस्त? यस यस। हाँ तो ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायफिनाइल वाला ये समझ में आ गया। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, चीज ये है, कौन सा एग्जांपल है 7, ये मॉलिक्यूल लिखा है, थोड़ा कुछ और बता दिया जाए, ये हो गया, 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 यहाँ पे लगा देते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा देते हैं NH, ये इधर लगा देते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा देते हैं NH, क्या ख्याल है इसके बारे में? साइकिल है, ऊपर भी साइकिल है, यहाँ नीचे भी साइकिल है, क्या ख्याल है? और जो भी ख्याल है क्यों तुम्हारा ख्याल है, ऐसा जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वो बताओ, और क्यों वैसा आ रहा ये भी बता दो। ये NH है, इधर भी NH है, हमें ये बताओ क्या ये नॉन सुपर इम्पोज, ये C डबल बॉन्ड O है, सोच समझ के बताना, ट्रिक अच्छा है क्वेश्चन ये, इससे जल्दी हड़बड़ी में बता देना। ऑर्थो डेरिवेटिव वही है, हमको ये बताना है आप लोगों को क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाया गया, सुपर इम्पोजेबल बनाएगा ये, और इसकी मिरर इमेज को क्या बोलेंगे हम लोग? सर एनेंशियोमर होगा। अच्छा तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, अच्छा ड्रॉ कर लो सब लोग, C डबल बॉन्ड O NH
ये बोलो कि भाई ये तो सेम बना रहे हो, सेम नहीं बना रहे हो, ये देखो NH छोटा सा क्या नाम C डबल बॉन्ड O, अब बताओ अब तुम्हारे जो आंसर्स थे हो सकता है चेंज हो सकता हो जाए या नहीं चेंज हो। दोनों स्ट्रक्चर्स को जरा ध्यान से देखो, किसी स्ट्रक्चर में कुछ अलग सा दिखेगा, किसी स्ट्रक्चर में कुछ, देखो तुम लोग सोच के बताओ दोनों में से कौन सा वाला आइडेंटिकल है। यस सर, आइडेंटिकल। अच्छा ओ ये सब लिख लिया भैया, आइडेंटिकल वाले, आइडेंटिकल वाले, ये एनेंशियोमर ऊपर आएगा, ये ऊपर तो एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई, इतना सब करने से अच्छा तुम्हें ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये डायग्राम से मॉडल से समझ में आ गया था, मॉडल है सब, नहीं विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आई थी, समझ गया था भैया। यस सर। तो मेरे दोस्त यहाँ पे बिना मॉडल के चल रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है या सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है तो उसको हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, ऐसा हम साले कितनी बार बताएं, बताएं कि नहीं बताएं। यस सर। यस सर बताएं। हाँ तो बताया है तो अब बताओ, चलो ऐसे हटा दे, ये दोनों मॉलिक्यूल देख के तुम्हें क्या लग रहा है दोनों एक्टिव है, वैसे मेरे ख्याल से इतना देख के तुम्हें सर तरीके पूछ रहे हैं। सर सर वो 90 डिग्री घूमेगा ही नहीं सर, मॉलिक्यूल तो नहीं टूट जाएगा, बॉन्ड नहीं टूट, घूम सकता है ठीक है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा तो रहेगा ही, लेकिन पहले प्लेनर होगा। सेवंथ वाला क्या है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये देखो इस सेंटर पे आ जाओ, मॉलिक्यूल के सेंटर पे, तुम किसी भी एटम को कहीं पे देखो, कहीं पे देखो किसी भी एटम को, तुम्हारा मन कर रहा है इस कार्बन को देखोगे, देख लो इस कार्बन को, तो जब उस कार्बन को देखोगे तुम तो ठीक डायगोनली ऑपोजिट फिर एक कार्बन दिखेगा, डबल बॉन्ड हो, इस नाइट्रोजन को देखोगे अरे जैसा भी है वो थ्री डायमेंशनल है जो भी वो दिखेगा, इस कार्बन को देखोगे कहीं दूर कार्बन को देखोगे तो क्या आपको दिख रहा है एकदम वैसा ही, सारे एटम्स हर जगह सेम दिख रहे हैं आपको। yes. तो इस मॉलिक्यूल में एक्चुअली में सेंटर ऑफ सिमेट्री है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये आइडेंटिकल अकायरल, ये अकायरल होगा, ये आइडेंटिकल होगा, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में देखो एकदम से प्लेनर तो नहीं होगा जैसा लोग बता रहे हैं कि साइकिल, साइकिल भी स्ट्रेन होता है ना, साइकिल में स्ट्रेन होता है, हल्की सी टिल्ट तो हो ही जाएगी, पूरी 90 डिग्री पे भले ना आ पाए, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला, हाँ ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बच्चा, टेढ़ी मेढ़ी साइकिल तो रहेगी, ये काइरल होएगा, पहला वाला काइरल है क्योंकि उसमें COS है, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, कुछ समझ रहे हो दोस्त? यस सर। यस सर। इसको बना लो जल्दी से, क्लियर है भैया, आगे बताएं? यस यस प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। चलो हम एग्जांपल दे रहे हैं 8 के बाद 9, मेरे दोस्त एक बात बताओ, सिस और ट्रांस आइसोमर तो होते ही हैं आप लोग को पता है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सपोज करिए यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया हमने NO2 ऊपर, यहाँ पे लगा दिया हमने कोई मन कर रहा है हमारा CH3 फिर से लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसके टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बताओ, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे सारे के सारे, ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 10th वाला देखो, देख लेना भाई कोई ज्योमेट्रिकल मेट्रिकल भी शो कर रहा है वहां पे, यहाँ पे चलो 10th वाला भी ऐसे ले लिया CH3, और यहाँ पे लगा दिया हमने NO2, और यहाँ पे लगा दिया ऐसे ही CH FD, और इधर पे फिर लगा दिया CH3, यार CH2 CH3 लगा दो, इसके भी टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बताओ, इसके भी टोटल पॉसिबल
isomers. Obviously, optically active की ही बात कर रहा है. 11th देख लो, ये बता लोगे तो समझ लो सब कुछ समझ जाओगे. इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों घुसेड़ दिया. ऑप्टिकल में भी दो दो ऑप्टिकल है, बताते हैं अभी. यहाँ पे लगा दो CH3, यहाँ पे लगा दो CHFD, यहाँ पे लगा दो NO2 और यहाँ पे लगा दो CH डबल बॉन्ड CH और CH3. इसमें भी टोटल पॉसिबल आइसोमर्स ये बताने हैं. होपफुली लेफ्ट वाला आप लोग समझ चुके हो. बताओ बे, हटा दें? यस सर. राइट वाले 3 एग्जांपल लिखे हैं, अगर ये कर लोगे तो सब कुछ समझ जाओगे. उन तीनों को समझाने के लिए हम जस्ट यहाँ पे एक और चीज लिख दे रहे हैं, जस्ट समझाने के लिए. उसको लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. हम ये बताना चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल लिखा है, यहाँ पे लगा दिया हमने ऑर्थो पे CH3, यहाँ पे लगा दिया होता सपोज करो NO2, यहाँ पे लगा दिया होता कोई CH3, यहाँ पे लगा दिया होता कोई COH. ये और इसकी मेरे इमेज आप लोग बोलते हो कि एनेंशियोमर्स होते हैं, ये आप लोग जानते हो. हम तो जस्ट जो जानते हो उसी को समझा रहे हैं, बस और कुछ नहीं. कॉपी कर लो जरा लेफ्ट वाले और राइट वाले, फिर लेफ्ट वाले पे आते हैं. जब कॉपी कर लो तो बताओ, है ना, कॉपी कर लो तो बताओ, फिर हम आगे पढ़ाते हैं, है ना दोस्त. अरे इधर हो जाए, नहीं तो दिखेगा नहीं. कर लिए सर? एक मिनट दे दीजिए. यस, कहोगे तुम मॉडल ऑर्डर तो बनता ही रहता है, लेकिन तुम लोग अपने हिसाब से हमको समझाओ. पहले बताओ क्या आने वाला है. टोटल पॉसिबल आइसोमर्स और ये सब ऐसे करके देख लेना. राइट साइड जो लिख रहा है उसमें काइरल, इधर काइरल भी हमने उसमें काइरल भी डाल दिया इंटेंशनली, मतलब कई चीजें मिक्स कर दी ना. काइरल कार्बन भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, ज्योमेट्रिकल भी पूछ लिया उसमें. अब बताना है आपको, कर लो 10-15 मिनट समझा देंगे इसकी नजर. बताओ दोस्त. ऑप्टिकल फिनिश हो जाएगा अगर तुम लोग थोड़ा 10 मिनट के लिए यहाँ रुक जाओगे. ठीक है, आज फिनिश कर देंगे इसको. राइट वाला कॉपी कर लो, लेफ्ट वाला तो वैसे ही लिखा है हमने, चाहो तो कॉपी कर लो. लेफ्ट वाले के हिसाब से समझाएंगे तुमको. हेलो. यस कॉपी कर लिया. चलो कॉपी कर लिया. अब हमारी बात सुनिए दोस्त. राइट वाले करने के पहले हम तुम्हें लेफ्ट से समझाते हैं. इधर देखो भैया, सब लोग यहाँ देखो बे. अच्छा ये मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखो, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई काइरल कार्बन है क्या? कोई काइरल कार्बन है? अरे लेफ्ट वाले पे भी हाँ ना साले, बोलने में तुम्हारा का दिमाग. सर तो लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल में कोई काइरल कार्बन नहीं है. CH3, COH, CH3, NO2 ये सब डिफरेंट हैं, सिमिलर हैं, उससे कोई मतलब नहीं. लेकिन A नॉट इक्वल टू B और D नॉट इक्वल टू E है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एनेंशियोमर होगा. तो इसका मतलब है ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाई फिनाइल में दो फिनाइल रिंग होनी चाहिए, उन दोनों के ऑर्थो पे कोई ग्रुप होना चाहिए. वो ग्रुप चाहे ऑप्टिकली एक्टिव हो इनएक्टिव हो कुछ भी हो, जैसे मिथाइल और ये सब, वो दोनों ग्रुप होने चाहिए बस. वो काइरल हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो ग्रुप अपने आप में वो अलग चीज है.
ये ग्रुप अगर आपस में खुद भी बदलते हैं तो उसके बदलने के हिसाब से फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मेरे दोस्त पहले वाले में बताओ, कोई बोलेगा सर जब ये सिस रहा होगा, नो, एक टाइम ये हो सकता है कि ये वाली जो एल्कीन है वो सिस एल्कीन रही हो, तो जब ये सिस एल्कीन रही होगी तो एक अलग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और जब ये ट्रांस एल्कीन रही होगी तब कोई अलग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा मैं? यस सर, यस सर। तो जब ये सिस एल्कीन रही होगी तो इसको ग्रुप मान लो कोई G1, G1 तो भैया CH3 और ग्रुप G1 और CH3 और NO2, तो इसके दो आइसोमर हो गए। ट्रांस एल्कीन रही होगी तब कोई ग्रुप मान लो G2, तो जैसे G2 ग्रुप हो गया तो इसको भी दो होंगे, तो इसका आंसर 4 आएगा दोस्त, पहले वाले का 4 आएंगे। यस सर, यस सर। क्योंकि ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाइफिनाइल में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए हमें ग्रुप्स से मतलब होता है, वो ग्रुप्स एक पर्टिकुलर फिक्स ग्रुप होना चाहिए, जो ग्रुप नॉन चेंजेबल होना चाहिए, नॉन चेंजेबल। तो भैया एक बार इसको सिस मान लेना तो फिक्स ग्रुप हो गया, तो जब सिस आएगा तो इस पूरे मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज के बीच में रिलेशन एंशोमर का आएगा, तो एक आइसोमरिज्म हो गई। और एक बार जब ये ट्रांस आपने कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये पूरा मॉलिक्यूल और इसकी मिरर इमेज, इनके बीच में रिलेशन फिर एनेंशियोमर का आएगा। तो 2 और 2 4 हो गए दोस्त। किसी को डाउट इसमें? नो सर, नो सर, नो सर। 4 हो गए, बहुत बढ़िया दोस्त। टेंथ वाले पे आओ, टेंथ वाले पे तुम बोलोगे सर NO2 फिक्स ग्रुप है, मिथाइल फिक्स ग्रुप है, ये फिक्स ग्रुप है इथाइल, ये फिक्स नहीं है, ये एक बार डेक्स्ट्रो हो सकता है, एक बार लवो हो सकता है। तो ये जो डेक्स्ट्रो एक बार होगा, डेक्स्ट्रो मान लो, डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो, तो उस डेक्स्ट्रो को फिक्स कर दो तो उस डेक्स्ट्रो की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ी है, वो डेक्स्ट्रो तो कोई ग्रुप हो गया, तो ये ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बाई फिनाइल है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये डेक्स्ट्रो कोई ग्रुप मान लेना, तो ये जब इसे डेक्स्ट्रो मानोगे तो ये मॉलिक्यूल और इसकी इमीडिएट मिरर इमेज वो एनेंशियोमर्स होंगी, तो 2 आइसोमर हो गए। एक बार जब इसको लेवो मानोगे तो ये मॉलिक्यूल और इसकी मिरर इमेज वो भी एनेंशियोमर होंगे, तो टोटल इसके भी 4 आएंगे दोस्त। यस सर, यस सर, यस सर। इसीलिए तुमने यहाँ पे लिखा है कि भैया ये फिक्स ग्रुप है, ये फिक्स ग्रुप है, ये फिक्स ग्रुप है, ये फिक्स ग्रुप है। तो अगर ऐसे फिक्स 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 हो गए तो ये इसकी और मिरर इमेज जो होती है ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनाते हैं। तो भैया हमने ग्रुप्स को फिक्स कर दिया, बस हमें तो पता है ना, और चाहे काइरल हो चाहे ना हो, इस काइरल कार्बन की वजह से थोड़ी ऑप्टिकली एक्टिव है वो मॉलिक्यूल, तो चाहे काइरल कार्बन होता ना होता, बस कोई ग्रुप होना चाहिए तब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो जब ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायफिनाइल डील करते हैं तो वो सारे काइरल वालों को बोलता है बेटा तुम एक काम करो, तुम लोग कभी डेक्स्ट्रो हो जाओ, कभी लेवो हो जाओ, बाकी हम देख लेंगे अपने आप। तो ये बोलेगा हम एक बार डेक्स्ट्रो होंगे, तो ये बोलेगा ठीक है ये मॉलिक्यूल और इसकी इमीडिएट मिरर इमेज दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, मतलब एनेंशियोमर। एक बार ये लेवो होगा तब भी वैसा ही आएगा। लास्ट वाले में क्या ख्याल है? 8 होंगे, 8 होंगे, 8 होंगे। बहुत प्यारा, 8 बता रहे हैं जो लोग, बहुत सही बता रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि हम समझाए किसी को? 8 आ गया। हाँ तो वो समझ गए, बहुत बढ़िया दोस्त, 8 हो जाएगा। तो आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ ये बायफिनाइल पढ़ लिया, और एलीन और स्पायरो कंपाउंड भी उसी में लगे हाथ पढ़ लिया, और इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में अगर ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई वाली कंडीशन है तो वहां भी आप लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी देख ली। ठीक है भैया? यस सर, यस। और इनमें काइरल कार्बन होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अब हेडिंग लिखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डाई अल्काइल सल्फोक्साइड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डाई अल्काइल सल्फोक्साइड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डाई अल्काइल सल्फोक्साइड, डाई अल्काइल सल्फोक्साइड। ये हमने जब आपको ढेर सारी हेडिंग लिखवाई थी तो बताया था ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डाई अल्काइल सल्फोक्साइड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डाई अल्काइल सल्फोक्साइड। ठीक है बच्चा?
ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड डाइअल्काइल सल्फोक्साइड। तो डाइअल्काइल सल्फोक्साइड जो होता है ये होता है S डबल बॉन्ड O और यहां पे लिखा जाता है R1 और यहां पे लिखा जाता है R2, R1 और R2। और सल्फर के पास एक होता है लोन पेयर, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 होते हैं तो एक लोन पेयर बचेगा, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। हेलो समझ में आ रहा है भैया? सर R1 R2 अलग ही होने चाहिए, मतलब सेम भी हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल, अरे ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अलग होने चाहिए, सेम होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसे बता रहे हैं देखो R1 R2 और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग बोलते हैं ये और इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्म करेंगे और ये बोलेंगे कि ये दोनों ये और इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। काइरल कार्बन जैसा दिख रहा है ये, अब एक कार्बन की चार वैलेंसी डिफरेंट होती है। हेलो यस सर, तो भैया यहाँ काइरल कार्बन ना होके काइरल सल्फर टाइप से बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है दोस्त, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ये। सर इसका एक बार स्ट्रक्चर दिखा देंगे, मतलब जो मॉडल पे अगर एक बार दिखा दें तो स्ट्रक्चर ये है इसका, ये देखो ये टेट्राहेड्रन है, विजुलाइज कर पा रहे हो भैया? छोटा है ना ये? यस सर, ये देखो बड़ा वाला दिखा दे तुम लोगों को, ये देखो। रुको दोस्त, ये बोल रहे हैं कि भैया मॉडल, तो मॉडल में जो है अगर आप देखना चाहते हो तो टेट्राहेड्रन ये देखिए, एटम छोटा हो जाएगा, येलो ले लेते हैं छोटा, चलो ये देखो, ये देखो दोस्त, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को टेट्राहेड्रन? यस सर, यस। इसमें येलो वाली, हाँ बोल, अब देखो देखो रुक जाओ, ये येलो वाली बॉल है, ये ऑरेंज वाली बॉल है, ये ग्रीन वाली बॉल है कि व्हाइट वाली बॉल? छोटी सी दिखा दी, व्हाइट वाला मान लो लोन पेयर है, मान लो व्हाइट वाला लोन पेयर है और इस येलो वाले को मान लो ऑक्सीजन है, तो ये ग्रीन और ये ऑरेंज वाले ये हो जाएंगे हमारे आर वन और आर टू, तो टेट्राहेड्रन है। तो टेट्राहेड्रन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आ रही क्या? कोई ऐसा प्लेन नहीं है। अगर कोई बोले व्हाइट और येलो वाले को हम एक प्लेन बना लेंगे, ऐसे देखो व्हाइट और प्लेन को मतलब व्हाइट वाली बॉल, येलो वाली बॉल और ये ब्लैक वाली बॉल, इनको लाई करता हुआ एक प्लेन ले लो, तो भैया एक ऐसा प्लेन आएगा जिसके एक साइड ऑरेंज वाली बॉल दिख रही है और एक साइड ग्रीन वाली बॉल दिख रही है, तो ये कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ी है। मतलब लोन पेयर और ऑक्सीजन इनको लाई करता हुआ अगर कोई प्लेन लेके आओगे तो इसमें थोड़ी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेन है जिसके लेफ्ट साइड ऑरेंज वाली बॉल आ रही है, राइट साइड ग्रीन वाली बॉल आ रही है, तो इसका मतलब है कोई ऐसा प्लेन नहीं होगा। कोई बोले सर हम प्लेन ऐसा ले लेंगे ऑरेंज वाली बॉल को और व्हाइट वाली बॉल को लेके करेंगे, तब भी प्लेन लोगे अगर ऐसे, तो ऑरेंज वाली बॉल और व्हाइट वाली बॉल और ये ब्लैक वाला कार्बन, अगर ये प्लेन ले लोगे तो उसके एक साइड आएगा ग्रीन वाली बॉल और एक साइड आएगा येलो वाली बॉल, तब भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। कोई बोले सर हम ग्रीन वाली बॉल और व्हाइट वाली बॉल और ब्लैक वाला कार्बन इनको लेके प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, एक प्लेन में दो बॉन्ड को लेके एक प्लेन बनाया जा सकता है, तो ये प्लेन आ गया। तो इस प्लेन को देखोगे तो एक तरफ आ रहा है येलो वाली बॉल, एक तरफ आ रहा है ऑरेंज वाली बॉल। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है अगर कार्बन की चार डिफरेंट वैलेंसी होती है या किसी भी एटम की चार डिफरेंट वैलेंसी होती है, ब्लैक वाला एटम एक दो तीन चार, मतलब व्हाइट बॉल ग्रीन बॉल येलो बॉल ऑरेंज बॉल, चारों डिफरेंट वैलेंसी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। समझ रहा हो बच्चा? यस सर, यस। तो मेरे दोस्त कोई बोले अच्छा सर सी एच टू सी एल टू नाम सुने हो? सी एच टू सी एल टू एक बार बताया था तुम लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस 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 सर। तो सी एच टू सी एल टू ये मॉलिक्यूल है, देखिए ये मॉलिक्यूल जरा इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें हमने दो ग्रीन दिखाया है दो व्हाइट दिखाया है, आप अगर ध्यान से देखोगे
तो बीच वाला कार्बन है, एकदम बीच वाला कार्बन, और दो ग्रीन बॉल दिख रही है, दो व्हाइट बॉल दिख रही है, तो CH2Cl2 जैसे होता है। तो मेरे दोस्त, अगर कोई बोले इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, तो मेरे भाई एक काम करो, ये जो दोनों व्हाइट वाली बॉल्स हैं इनको लाई करता हुआ एक प्लेन ले लो, दोनों व्हाइट बॉल्स को लाई करता हुआ प्लेन, और ब्लैक वाला कार्बन भी उसी में आ जाए। अगर एक ऐसा प्लेन ले लिया आपने जो दोनों व्हाइट वाली बॉल्स को लाई करता है, कार्बन को भी लाई कर लेता है, तो दोनों ग्रीन वाली बॉल्स को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता हुआ नजर आ रहा होगा। इसका मतलब CH2Cl2 में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई, इसलिए CH2Cl2 ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कोई बोले सर हम दोनों ग्रीन वाली बॉल्स को लाई करता हुआ एक प्लेन ले लेंगे, तो दोनों ग्रीन वाली बॉल्स को लाई करता हुआ अगर प्लेन ले लोगे ब्लैक वाले को इंक्लूड करते हुए, तो दोनों व्हाइट को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ में आ रहा है भैया? तो कार्बन के चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट होनी चाहिए, तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे दोस्त, नहीं बोलेंगे? यस सर। हाँ, तो कार्बन की डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। लोगों को प्रॉब्लम होती है सर हमको एक बार मेथेन बता दीजिए। मेथेन में हमने आपको बताया था देर आर 6 डिफरेंट प्लेन्स अबाउट विच मेथेन कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स। तो अगर मेथेन देखना चाहते हो तो उसमें 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है। जैसे ये मेथेन हो गया, बीच वाला कार्बन लिखा है और हमने चार वैलेंसीज, चारों वैलेंसीज येलो पेन से सेटिस्फाई, येलो बॉल से सेटिस्फाई करवा दिया है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्रीज अगर मेथेन में देखना चाहते हो मेरे भाई, तो जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया जरा उसको देखो, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला येलो वाली बॉल और ये वाली येलो वाली बॉल, इनको लाई करता हुआ एक प्लेन ले लो, कार्बन तो ऑब्वियसली उस प्लेन में आ जाएगा। तो क्या ये जो प्लेन हमारे हैंड का दिख रहा है, ये बची हुई दोनों बॉल्स के बीच में से जाता हुआ नजर आ रहा है ऐसे, यहाँ से ऐसे? बताओ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो अगर ये वाला बॉल और ये वाला बॉल और ब्लैक वाला कार्बन इनको लाई करता हुआ एक प्लेन ऐसे ले लिया आपने, तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो ऐसे किन्हीं भी दो बॉल का, दो येलो बॉल का कॉम्बिनेशन ले लो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा। तो 4C2 ही तो आएगा, चार बॉल्स है, दो लेनी है तुम्हें, तो 4C2 6 आता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझा चुके हैं ये कई बार? यस सर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई है। तो क्या ये समझ में आ रहा है? डाई अल्काइल सल्फोक्साइड भी काइरल सल्फर की तरह बिहेव कर सकता है, चाहो तो यहाँ पे स्टार लगा सकते हो। इसका मतलब लोन पेयर जो होता है वो, रुकना भी 5-10 मिनट, अभी क्लास का टाइम है। तो अगर आप लोग काइरल सल्फर देखते हो तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि इसकी दो वैलेंसीज या तीन वैलेंसीज डिफरेंट है, चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर को भी एक ग्रुप के तरीके ट्रीट किया जा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। सिन एंटी ऑक्सोमेरिज्म आइसोमेरिज्म पढ़ाते टाइम बता चुके हैं, ठीक है दोस्त? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर लिखिए हेडिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, अरे जल्दी से लिखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी अराउंड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। हो गया दोस्त? ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। फॉस्फीन ये होता है, एक पॉइजनस गैस होती है, स्मेल्स लाइक रॉटन फिश। फॉस्फीन गैस बहुत जहरीली गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, रॉटन फिश की तरीके स्मेल करती है। ये गैस H2S भी होती है, जो रॉटन एग्स के तरीके स्मेल करती है, उसकी जरूरत नहीं अभी। फॉस्फीन ये होता है जैसे अमोनिया NH3PH3, इसमें फॉस्फोरस के पास लोन पेयर भी होता है। ये फॉस्फीन है, इसको बोलते हैं, ये फॉस्फीन है जो कि पॉइजनस गैस होती है, स्मेल्स लाइक रॉटन फिश। लेकिन हम तो ट्राई अल्काइल फॉस्फीन बोल रहे हैं, इसका मतलब है फॉस्फोरस की अगर तीन वैलेंसीज, तीन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई करा दो, R1 R2 R3 और एक लोन पेयर, तो अगर ऐसा हो जाता है तो लोन पेयर यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, किसी डिफरेंट ग्रुप एलिमेंट के तरीके, और ये
नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा और ये भी एनेंशियोमर कहा जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त? यस सर। हेलो, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। अभी रुक जाना, लिमिटेशन भी होती है हर जगह। सर कोई भी दो एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी यहां पे। हां बिल्कुल, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ये बनाएगा, कोई भी दो अल्काइल ग्रुप सेम आएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। यहां पे हम ये बताना चाहते हैं तुमको कि मेरे भाई, लोन पेयर को हमेशा ग्रुप के तरीके ट्रीट नहीं करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते टाइम। अभी दो एग्जांपल बनाए, यहाँ पे दो एग्जांपल में दिखा रहे हैं, अभी और बताने वाले हैं, फिर लिमिटेशन भी बताएंगे। एक एग्जाम्पल जल्दी से कॉपी कर लो भैया, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ट्राई अल्काइल फॉस्फीन विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, समझ रहे हो भैया? यस सर, यस सर। रुको अभी, फिर ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन भी एक होता है। अरे हटाओ, हेडिंग नहीं लिखो, हेडिंग नहीं लिखो, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इस फास्फोरस की जगह सल्फर लगा दिया जाएगा, तो फास्फोरस सल्फर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो फास्फोरस बन जाता है। तो क्या ये सेम स्ट्रक्चर एस से प्लस लगा के बनाया जा सकता है? यस सर, वही ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन हो जाएगा। ट्राई अल्काइल सल्फोनियम आयन यही हो जाएगा, R1 R2 R3 जैसे चाहो वैसे लिख लो। और ये भी टेट्राहेड्रन है और ये भी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा और यहाँ भी लोन पेयर एक ग्रुप के तरीके ट्रीट किया जाएगा। और इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि एनेंशियोमर है। बस दो तीन मिनट और रुकिए, ये भी एनेंशियोमर बनेगा, मतलब ये भी कायल कहे जाएंगे। एनेंशियोमर मतलब क्या है? कायल है ये सब, किराल, कायरल। तो अगर ये आपने देख लिया तो बस एक साथ हम और कुछ बताने जा रहे हैं, खत्म हो जाएगा सब। कॉपी कर लिया दोस्त इसको? यस सर। तो लोन पेयर यहां पे ग्रुप के तरीके ट्रीट किया जा रहा है, देख लीजिए बस जल्दी से इसको देख लो। इसका हम लिमिटेशन बता दें, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते टाइम अगर लोन पेयर थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ है या किसी और बड़े एलिमेंट के साथ है, सुन लो बे, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते टाइम अगर लोन पेयर थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ है या किसी बड़े और फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड इनके साथ है तो उसको हम लोग ग्रुप की तरीके ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर लोन पेयर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ है, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ, बिना एडिंग के पढ़ा रहे हैं, एडिंग हम बहुत पहले लगवा चुके हैं। सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट जैसे ट्राई अल्काइल अमीन होता है, 3° अमीन नाम सुने हो? यस सर, यस सर। 3° अमीन है ये, 3° अमीन में विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, लेकिन ये बताएंगे आपको अभी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और ये और इसकी मिरर इमेज आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती है। अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्यों, इसको रैपिड अम्ब्रेला इंटर कन्वर्जन बोलते हैं और ये दोनों एनेंशियोमर्स नहीं होते हैं, ये अकायरल होता है, अकायरल, अचिराल, अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है, दोनों का मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताते हैं क्यों, सेम चीज पहले लिख लो ना एक साथ, सेम चीज वैलिड है, ऑक्सीजन पे प्लस लगा दो तो वो नाइट्रोजन कहा जाएगा और उसके साथ भी अगर तीन ग्रुप लगा दे रहे हो R1, R2 और R3 और सेम चीज वैलिड है कार्बन आयन के केस में, कार्बन पे माइनस लगा दो, कार्बन पे माइनस का मतलब है अरे नेगेटिव चार्ज जो होता है सर वही स्ट्रक्चर होगा, तो कार्बन पे माइनस लगा दो तो नाइट्रोजन कहा जाता है, ऑक्सीजन पे प्लस लगा दो तब भी नाइट्रोजन कहा जाएगा। तो ये तीन ऐसे केसेस होते हैं रादर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ अगर हम लोग लगाते हैं लोन पेयर को, तो लोन पेयर को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते टाइम ग्रुप के तरीके ट्रीट नहीं किया जा सकता। पहले इतना लिखिए आप लोग, इतना लिखो फिर हम समझा रहे हैं, अभी इतना लिख लो पहले दोस्त। इसमें भी बोलते हैं कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल और इसकी मिरर इमेज के बीच में इंटर कन्वर्जन होता रहता है, पहले रिजल्ट तो पता होना चाहिए, समझाएंगे बाद में सर। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं
और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर इनका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव इनएक्टिव मतलब अकाइरल होते हैं ये, मतलब ये क्या होते हैं, अकाइरल अकाइरल अचिराल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तीनों ही केसेस रिसेंबल करते हुए हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ रहे हो बच्चा। हेलो, तो ये लास्ट पॉइंट है, बस समझा दें इसको, खत्म छोड़ देंगे क्लास। देखो दोस्त, जो ये हमने डबल एरो लिखा है कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल और उसके मिरर इमेज के बीच में, इसको भी समझा रहा है, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। और आपको ये लिखना है कि अगर लोन पेयर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ है, पहले रिजल्ट समझाने का तरीका, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ है तो उसको हम लोग ग्रुप के तरीके ट्रीट नहीं करते हैं। लोन पेयर अगर थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ था तो उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करवाते टाइम, भाई ज्योमेट्रिकल में तो कहीं भी लोन पेयर होता था उसको ग्रुप के तरीके ट्रीट करते थे, डबल बॉन्ड के अराउंड लेफ्ट राइट पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते टाइम, अगर लोन पेयर थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के साथ है उसको ग्रुप ट्रीट किया जाएगा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के साथ अगर है तो उसको ग्रुप नहीं ट्रीट करेंगे। ये मानेंगे कि भैया तो तीन ही एलिमेंट है, मतलब काइरल नहीं है वो मॉलिक्यूल, ऐसे ये तो पहला हो गया शॉर्टकट। ये जो डबल एरो बना हुआ है ये दोनों इंटरकन्वर्ट होने का, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन, अम्ब्रेला लिख लो पहले, अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन, रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन की बात करते हैं यहाँ पे, पूरा लिखिएगा। ओरिजिनल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज के बीच में रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन होता है, तो अगर ये डेक्स्ट्रो होता होगा तो ये लेवो होता, पहले इतना कॉपी कर लो फिर थोड़ा सा लिखवा दें, जल्दी करो भैया, हो गया कॉपी? हाँ इतना कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बता रहे हैं। चलो जो कॉपी कर रहे हो रुक जाओ, अब जो बोल रहे हैं पहले उसको लिखो, लिखो रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन अकर्स बिटवीन, रैपिड अम्ब्रेला, इन तीनों के किस लिए बता रहे हैं, रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन अकर्स, रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन अकर्स बिटवीन ओरिजिनल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज, चाहिए ले लो चाहिए ले लो चाहिए ले लो, रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन अकर्स बिटवीन ओरिजिनल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज। ऑप्टिकल फिनिश हो गया भैया आज, लिखो फिर से, रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन अकर्स बिटवीन ओरिजिनल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज, हेंस ओवरऑल सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, पूरा लिखो बता रहे हैं, रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन अकर्स बिटवीन ओरिजिनल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज, हेंस ओवरऑल मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, हेंस ओवरऑल मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। रैपिड अम्ब्रेला दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ये रैपिड अम्ब्रेला बोलने दिया करो बे, ये बीच में खाली बोलते हो तो माउथ डिस्टर्ब कर रहे हो, जल्दी लिखो भैया जो हम बोल रहे हैं पहले उसको करो, हमारे हर एक क्वेश्चन का डाउट ऐसे नहीं हुआ, पहले सबको बताने दो। रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन एग्जिस्ट या रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन अकर्स बिटवीन ओरिजिनल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज, हेंस ओवरऑल मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, यहाँ पे तो आपको ये ऐसे लिखना है, रैपिड अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन अकर्स बिटवीन ओरिजिनल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज, हेंस ओवरऑल मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। अब लिखिए ड्यूरिंग अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन, ड्यूरिंग अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन, ड्यूरिंग अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन सेंट्रल एलिमेंट बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ड्यूरिंग अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन सेंट्रल एलिमेंट बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ड्यूरिंग अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन सेंट्रल एलिमेंट बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ब्रैकेट में लिख लेना प्लेनर, ड्यूरिंग अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन सेंट्रल एलिमेंट बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अब ब्रैकेट में लिख लो वहीं पे प्लेनर, ड्यूरिंग अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन सेंट्रल एलिमेंट बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 मतलब प्लेनर, बताएंगे अभी अम्ब्रेला इंटरकन्वर्जन क्या होता है। समरी ये क्या कर सकते हो कि भैया हम लोग अगर लोन पेयर सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करवाते टाइम हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते एज ग्रुप, तो नाइट्रोजन लगा दो या ऑक्सीजन पे प्लस लगा दो, कार्बन पे माइनस लगा दो और तीन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लोन पेयर लगा दो तब भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहा जाएगा। रीजन ये होता है अम्ब्रेला इंटर कन्वर्जन का कि जो ये सेंट्रल एलिमेंट है वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो इनके चारों तरफ जो ग्रुप लगे होते हैं
वो उस लोन पेयर को सॉरी इसको छोटे एलिमेंट को देखते ही नहीं, वो पॉइंट के अराउंड वो पलटते रहते हैं। आपको हम रिडंडेंट कन्वर्जन फिर बता देंगे, थोड़ा टाइम है ना, दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। रिजल्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, कंफर्मर पढ़ाएंगे आप। समझ में आ रहा है भैया? Yes, sir. रिजल्ट समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को कि अम्ब्रेला इंटर कन्वर्जन की वजह से ऐसा हो रहा है? क्लियर है दोस्त? Yes, sir. हाँ दोस्त, इतनी चीजें वही ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने आपको सब कुछ बता दिया है। कायरल कार्बन होना ना होना, सिंगल कायरल कार्बन, मोर देन वन कायरल कार्बन, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हो उसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ बायोफिनाइल हो, एलीन के डेरिवेटिव हो, साइक्लो एल्केन्स हो, ये सब अगर ऐसे मिल जाते हैं तो आपको सब कुछ पता लग गया। इसके अलावा पूरे केमिस्ट्री में तुम कहीं खोज लो, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी तुमको मिल जाए तो बताना। सारे फैक्टर्स कंसिडर करके हमने हर एक डिस्टिंक्ट डिफरेंट वराइटीज जो हो सकती है सब बता दी है। ठीक है भैया, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्त, अब बताओ। सर एक ये मतलब क्वेश्चन था मेरा, इससे रिलेटेड नहीं है सर, ये है मतलब ऐसे था कि जो आपका वो है मतलब यूट्यूब पे जो हाइड्रोकार्बन की प्लेलिस्ट है ना सर, तो सर उसमें एक लेक्चर मिसिंग है क्या, वो पूछना था एल्कीन का। हाँ यार, उसमें दो लेक्चर मिसिंग है, एक ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन मिसिंग है और एल्कीन की लेक्चर कोई 2-3 किसी ने हमको बताया था, राहुल सर से बोल के अपलोड करवा देंगे। ठीक है बच्चा? ठीक है सर। एंड सर जो मॉडल है सर, जो मॉडल है उससे एक बार वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का वो स्ट्रक्चर दिखा के बना देंगे सर प्लीज, थोड़ा सा कभी सेंटर पे आना बता देंगे ना। अच्छा ठीक है सर। सर इस आरटीएस में कहां तक आ रहा है, आइसोमर्स में? आइसोमर्स में ऑप्टिकल आएगा आरटीएस में ना? यस सर, यस सर आएगा बच्चा, आएगा आएगा। चलो ठीक है दोस्त, ब्रेक ले लो।